दीदी लोग यू हैव टू डू ऑनलाइन, जो अभी लेट आए हैं दीदी यू हैव टू डू ऑनलाइन। इतना लेट क्यों आए हैं, इतना लेट क्यों आए? दीदी एक ही है वहां पे, चश्मे वाली दीदी। सीट वहीं दे दे, वहीं बैठा दे, गेट बंद कर दे, बस हो गया। बाद बाकी एक दो सीट यहां ले ले। ठीक है, होते रहेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस अब आकाश गेट बंद कर दो। दीदी को बैठा ले, एक जन को बैठा दीजिए। एक चेयर और ले नीचे से। वन वीक, सिर्फ एक वीक का ये इश्यू रहता है, क्योंकि अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे उनको लाइफ में करना क्या है। एक वीक के बाद क्लैरिटी आती है तो अपने आप सब सुलझ जाता है। वैसे लाइव एड सेंटर हमने बंद कर दिया है, नो मोर एक्सेप्टिंग लाइव एड सेंटर, अब नहीं लेंगे जब तक थोड़ा और खाली ना हो जाए। कुछ लोग अपना लाइफ का ऑप्शन चूज ना कर ले तब तक लाइव एड सेंटर ऑफ है। तो जो अभी कन्वर्जन कराएंगे उनको लाइव एड होम ही मिलेगा फॉर द टाइम बींग। लाइव एड सेंटर अभी नहीं मिलेगा उनको, जो तीन चार बच्चे हैं। कुछ एक हफ्ते के लिए लाइव एट होम कीजिए, एक दो हफ्ते फिर देखेंगे क्या करना है। वेट कीजिए, दीदी आ रहा है। ऑनलाइन में वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? आउटलो फॉर लाइफ, प्लीज चेंज योर नेम। मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा तुमको बार बार? लाइफ बोलूंगा तो वाइफ मारेगी। डन, गुड। हम लोग CA इंटर नवंबर 2024 एग्जामिनेशन के फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट स्टार्ट करने आज जा रहे हैं, और हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक आप देख सकते हैं, मैंने टीवी पे लगा रखा है। टॉपिक का नाम देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिससे एग्जाम में लेजर अकाउंट बनाने के सम्स, प्रैक्टिकल सम्स, जैसे बचपन में आप लोग अकाउंटिंग करते थे ना, जर्नल एंट्री करो, लेजर बनाओ वगैरह वगैरह, वैसे टाइप का चैप्टर है जो एग्जाम में 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग विच यू हैव नॉट स्टडीड इन डिटेल टिल डेट, क्लास 11 में, 12 में, फाउंडेशन में, अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को डिटेल में नहीं पढ़ा है। आप बेसिक बेसिक अकाउंटिंग जानते हो, जो मैं अभी बात करूंगा, चर्चा करूंगा बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, बट दिस इज द फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग फॉर नवंबर 24 सिलेबस, एंड द चैप्टर्स नेम इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। बात बाकी जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह है ना, वो मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। पहले मैं राइट अवे पढ़ाई के साथ शुरू करना चाहता हूं, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर करिकुलम। अभी के लिए इस चैप्टर के लिए आपको तीन चीज कैरी करना पड़ेगा। वन इज योर मेन बुक। देखो, एक मेन बुक मिला होगा जो कुछ ऐसा कलरफुल थोड़ा बहुत दिखता होगा, ऐसा एक मेन बुक मिला होगा जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये एक बुक आपको कैरी करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं क्लास में। नंबर टू आपको कैरी करना है, इसी मेन बुक से रिलेटेड एक समरी बुक दिया हुआ है, चैप्टर्स का समरी बुक। हम लोग जो भी कंटेंट लिखने का काम होगा ना, कि कुछ राइटिंग नोट्स ले रहे हैं वगैरह, वो सारा का सारा समरी बुक में लिखेंगे। जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन में पढ़ते हैं वो समरी बुक जानते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ रखे हैं उनको मैं बता दूं, प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग अकाउंट जैसे बड़े सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, 2-3-4 कॉपीज आपकी भरेगी जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब इन कॉपीज के साथ जब रिवीजन करने बैठते हैं ना लास्ट में, तो बच्चा ना खो जाता है कि कहां से क्या चीज पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं नोट्स को अलग और क्वेश्चंस को अलग कर दूं, तो अगर किसी को रिवीजन करना है तो वो नोट्स को रेफर करेगा, किसी को क्वेश्चन आंसर देखना है तो वो कॉपी को रेफर करेगा, उसको बार बार पूरा घुमाने का दरकार नहीं है। इसीलिए हम लोग नोट को सेग्रीगेट करने के लिए, और ताकि तुमको बाद में जाके अलग से समरी ना बनाना पड़े, हमने पहले ही आपको समरी बुक दे दी जो हम लोग नोट्स के पर्पज के लिए यूज करेंगे।
और तीसरा मेरे को आपसे चाहिए एक नया कॉपी, एक कॉपी हम लोगों को चाहिएगा जहां पे हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह करेंगे। डन। जिन बच्चों ने पहले से कोई कॉपी बना रखी है वो कॉपी कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने कोई कॉपी नहीं बनाया वो अब कॉपी बनाएंगे अपनी पहली वाली। आपको टोटल 5 बुक कोर्स में मिली होंगी, 5 बुक्स मिला होगा। आप लोग सब एक बार चेक कर लेना व्हेन यू स्टार्ट योर क्लासेस। एक बुक मिलता है मेन बुक, एक उसके साथ समरी बुक, यहां पे हम चैप्टर से डील करते हैं। 3 बुक्स मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जिसमें वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पढ़ाई करना है। एंड लास्ट बुक होता है समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समराइज करके रखेंगे। सेम लॉजिक सेम रीजन, ताकि लास्ट में पढ़ते समय पूरा दो दो बुक ना घुमाना पड़े, सिर्फ एक बुक में हमारा सारा काम हो जाए। डन। अभी के लिए मेरे को ये 3 चीज लगेगा। कैलकुलेटर इज अ मस्ट इन अकाउंट्स क्लास, उसके बिना अकाउंट्स का क्लास होगा ही नहीं। और पेन पेंसिल आप लाए या दोस्त से चोरी करे, दोनों एक ही बात है। जो दोस्त का है वो आपका है, पेन पेंसिल के एग्जाम्पल में। हर चीज कैसे ले सकते हैं। रितिका, आपको 4 बुक्स मिला है, आप एक बार फोटो लेकर उसको मेल कर देना टीम को। जो बुक पेंडिंग रह गया होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारी बुक्स अवेलेबल है, स्टॉक में तो जानी नहीं चाहिए 4 बुक्स। अगर कोई हो गया तो आप मेल कर दें, वो आपको नया बुक जो भी है वो भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सिद्धार्थ निकल गया है, मिल जाएगा बुक्स। हाँ, अभी कुछ चीज का दरकार नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आप शांति से पढ़ाई कीजिए, मैं सब PDF भेज दूंगा आज। हाँ, चलिए। आप लोग, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग डाल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आप लोगों ने कभी अकाउंट्स में ये वर्ड सुना है क्या, इन्वेस्टमेंट्स? सुना है इन्वेस्टमेंट्स वर्ड हमने सुना है। इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमको साथ साथ पढ़ाना होगा। बोलो क्या नाम है? AS 13। ये AS 13 हम लोग अलग से AS की बुक में कवर नहीं करेंगे, वो इसी चैप्टर के साथ साथ हमारा कवर हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ 10 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम। 10 मार्क का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर इस चैप्टर से दिखाई देगा। मेरे को बता, इन्वेस्टमेंट अगर सुना है बचपन में कभी भी, एग्जाम्पल दे के समझाना है समझा दे, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? कहीं और पैसा डालते हैं ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो, एक एग्जाम्पल। इन्वेस्ट करते हैं कहां पे? शेयर्स में, कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स में। और कोई एग्जाम्पल? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एसेट का एक एग्जांपल ले भाई, मशीनरी। मनीष, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो ये बोला, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब हम लोग पैसा कहीं लगाते हैं सो दैट हम रिटर्न कमा सके। क्या ये मशीनरी से भी हम रिटर्न कमाएंगे? ठीक है, मतलब बच्चा बोल रहा है पैसा चाहे मशीनरी में डालो या शेयर्स में डालो किसी कंपनी का या स्टॉक में डाल दो, सब चीज एक ही है सर, ऑल आर इन्वेस्टमेंट्स। तो तुम बोल रहे हैं मशीनरी में पैसा लगाना इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सही गलत बाद में जज करते हैं ना, पहले तुम्हारी नॉलेज तो देखें। और बताओ इन्वेस्टमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाया, ठीक है, और गोल्ड में पैसा लगाया। ओके, गोल्ड में पैसा क्यों लगाते हैं? गोल्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तब बेच देंगे, बेचेंगे तो कमाई हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, लैंड वगैरह में पैसा क्यों लगाते हैं? रिलायबल है, ठीक है, वो अलग चीज है, रिस्की नॉन रिस्की सब बाद में बात करेंगे। लैंड में पैसा लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंड का प्राइस चेंज होगा फ्यूचर में, जब बेचेंगे तो हमको थोड़ा कमाई, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा। ओके, एक बच्चा बोला गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा क्यों लगाते हैं? इंटरेस्ट मिल जाएगा सर, बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रहता है सर, वो इंटरेस्ट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपको देगा। और कोई कारण? ओके, डिस्काउंट में इश्यू करके पार में खरीद लेता है, यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट रिडीम करेगा तो तुमको थोड़ा ज्यादा अमाउंट देगा, जितना लिया था उससे ज्यादा देगा। ओके, शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में क्यों पैसा लगाते हैं? डिविडेंड्स मिलेगा। और कोई? मार्केट में वैल्यू चेंज होता है तो अगर मार्केट का प्राइस बढ़ेगा और हम बेचेंगे तो हमको फायदा होगा। तुमने जितने एग्जाम्पल लिए ना, एक्सेप्ट वो मशीनरी वाला एग्जाम्पल,
ऑल एग्जाम्पल्स आर करेक्ट. मशीनरी में लगाए गए पैसे को आप जैसे बोले ना कैपिटल एसेट, वी कॉल इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज नोन एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. हम लोग ना जब भी अकाउंट्स में काम करते हैं हम लोग बहुत सारे एसेट्स के साथ डील करते हैं. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मशीनरी, लैंड, व्हीकल्स वगैरह, ये एक सेट ऑफ एसेट्स हो गए. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब एक सेट ऑफ एसेट्स हो गए, इनटेंजिबल्स जिसको बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट्स एक टाइप का एसेट हो गया, डेटर्स एक एसेट हो गया, स्टॉक एक एसेट हो गया, कैश बैंक बैलेंस एक एसेट हो गया. कई टाइप के एसेट से हम लोग डील करते हैं. चाहे कोई भी एसेट हो, हर एसेट में उद्देश्य तो यही है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को मिलना चाहिए, कि एंटिटी को फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो, इससे एंटिटी कुछ इससे काम कर सके फ्यूचर में. बट हर एसेट से बेनिफिट मिलने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक एसेट से, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी विच आई हैव होल्ड टू यूज इन माई फैक्ट्री, जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे गुड सर्विसेज का. हम लोग मशीनरी को पता है क्यों होल्ड करते हैं? हमारा उद्देश्य है इस मशीनरी को फैक्ट्री में यूज करेंगे, फैक्ट्री में यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेंगे तो बिजनेस में रेवेन्यू आएगा. हमारा उद्देश्य कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मशीनरी खरीदा कल दाम बढ़ेगा मशीनरी बेच देंगे. अगर ऐसा उद्देश्य है तो फिर उसको मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका जो प्राइमरी कैश फ्लो या प्राइमरी बेनिफिट है दैट इज नॉट फ्रॉम यूज इन द बिजनेस. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट, ये ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम होल्ड करते हैं ताकि हम इससे यूज करके बेनिफिट उठा सके. जैसे मेरे पास एक पेटेंट है, पेटेंट राइट समझते हो? पेटेंट राइट मतलब यू हैव द राइट एज अ फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द प्रोडक्ट, यू आर द फर्स्ट इन्वेंटर. कोई तुमसे पूछे बिना कोई माल बना वैसा माल बना नहीं सकता, उसको तुमसे पूछना ही पड़ेगा. यू ओनली कैन प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस दोज आइटम्स, नो वन एल्स कैन प्रोड्यूस दैट आइटम. जैसे फार्मा कंपनीज में ये पेटेंट चलता है. फार्मा क्या होता है? इन्वेंशन होता है. आप ड्रग को इन्वेंट करते हो, फॉर्मूला इन्वेंट करते हो कि कैसे ये दवाई बनाई जाए ताकि ये दवाई कोई पर्टिकुलर डिजीज को क्योर कर सके. अब उसमें रिसर्च डेवलपमेंट करके हर एंटिटी अपना पेटेंट ले लेती है कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया, मेरे को छोड़ के ये फॉर्मूला और कोई यूज नहीं कर सकता. क्योंकि अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, मान ले आज रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मिस्टर आकर्ष हमारे यहाँ काम करता है, कल उसका मेरे से झगड़ा हो गया, बोला अब हम दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, और रुकिए हम क्या करेंगे हम बताते हैं आपको. बोला क्या करेगा? बोला आपका जो फॉर्मूला यहाँ बना था ना लैब में वो हम सब दूसरे को बता देंगे. मतलब बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा तो राइट लिया हुआ है पेटेंट का. कोई और मेरे से बिना पूछे बनाएगा तो हम उस पर केस कर देंगे और वो अंदर चला जाएगा. तो ये पेटेंट एक ऐसा एसेट है जिसको भी मैं अपने धंधे में यूज कर सकता हूं, सो दैट इससे माल प्रोड्यूस करके हम उस माल को बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सके. स्टॉक एक ऐसा एसेट है जिसको जनरली हम लोग हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. वो माल मैं अपने धंधे में बेचूंगा तो मैं उसे रेवेन्यू जनरेट करूंगा. डेटर एक ऐसा एसेट है जिसको हम लोग फ्यूचर में रियलाइज करेंगे, उनसे पैसे लेंगे, हमारे पास राइट है उनसे पैसे मिलने का, उससे हम लोगों को बेनिफिट होगा. कैश एक ऐसा एसेट है जिससे हम लोग कोई दूसरा एसेट खरीद सकते हैं या किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं, वैसे बेनिफिट मिलेगा. वैसे ही इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, वो एसेट जिसमें हमारा प्राइमरी पर्पज होता है, प्राइमरी इंटेंशन होता है टू अर्न रिटर्न. अब रिटर्न कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. क्या बोला मैंने? कैपिटल एप्रिसिएशन. जो आप लोगों ने एक बात बोला ना, दाम बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग ना फाइनेंस की लैंग्वेज में कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, कैपिटल गेन्स बोलते हैं टैक्सेशन की लैंग्वेज में. कि भैया जब हम ये बेचेंगे, ज्यादा दाम पर बेचेंगे, हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल एप्रिसिएशन. ये इंटरेस्ट, ये डिविडेंड, रेंटल कमाने के लिए अगर कोई एसेट आपने होल्ड कर रखा है वो आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. सर मान लो मेरे पास अभी आपकी बैच से हमारी फीस आई, आपने फीस पेमेंट की, आपने एडवांस में फीस पेमेंट कर दी. आपके बैच के लिए हम आपने फीस पेमेंट की, मेरे पास एक बड़ा कैश जनरेट हुआ, एक बड़ा कैश आया मेरे पास, से एक्स अमाउंट एक आया मेरे पास. क्या हुआ? एक्स अमाउंट आया और 14 तारीख के बाद एक्स को याद कर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, कल 14 गया ना, इसीलिए कोई बात नहीं. हाँ वो नहीं है इसीलिए तो एक्स बोल रहे हैं, होती तो एक्स थोड़ी बोलते. सुनना, तो एक्स अमाउंट तुम्हारे से मेरे पास आया, मेरे को पता है कि ये जो रुपया आया है ये बहुत है, और अभी मेरे को प्रेजेंटली खर्चा करने के लिए इतना रुपया होल्ड करने का दरकार. मेरे पास थोड़ा आइडियल कैश पड़ा था, वो आइडियल कैश जिसकी अभी मेरे को बिजनेस में ज़रूरत नहीं है.
हम लोग जानते हैं कैश को आइडल रखना सही नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कैश आइडल रखना सही, क्योंकि कैश अगर आइडल रखोगे तो मार्केट में तो इन्फ्लेशन जैसी चीजें, रिस्क जैसी चीजें रहेंगी। अगर वो इन्फ्लेशन रिस्क जैसी चीजें रहेंगी और आप कैश को आइडल रखेंगे, कैश की वैल्यू में वृद्धि नहीं होगी, तो आपका यही कैश फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर पाएगा वो आज से कम होगा। यस और नो? आज मान ले मैं एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 20 रुपये में खरीद के 25 में बेचता हूँ। अब ये 20 रुपया क्या चीरकाल तक 20 रहेगा कि ये चेंज होगा? अगर ये 20 की जगह 21, 22, 23 हो जाएगा तो मेरे को उतना ही अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मेरे को मेंटेन करने के लिए इस पैसे को, ताकि मैं सेम लेवल ऑफ धंधा कर सकूं, मेरे को हमेशा हमेशा इस पैसे से रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा बेकार हो जाएगा। जैसे चीज़ों में पड़े पड़े जंग लगता है, वैसे ही पैसे में भी पड़े पड़े जंग लग जाता है अगर आप उसको सही से चैनलाइज नहीं करते हो। बाद बाकी दूसरी रिस्क जो चोरी चकारी की रिस्क है वो तो अलग है, एक जो रिस्क है वो है इन्फ्लेशन की रिस्क, कि आपका कैश का वैल्यू बढ़े पड़े पड़े बढ़ेगा नहीं, बट चीज़ों के दाम ज़रूर बढ़ेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आप कैश में यील्ड नहीं करोगे कुछ रिटर्न, तो आपका कैश उतना बेनिफिट फ्यूचर में जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा मेरे पास ना, से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए आइडल पड़े हैं। मैंने बोला आइडल रखने से अच्छा लेट अस इन्वेस्ट इट इन एन एफडी। मैं एक एफडी कर देता हूँ, मेरे को 3 महीने 6 महीने पैसे की दरकार नहीं है, 6 महीने की एक 50 लाख रुपए की एफडी कर दी। एफडी का फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट कर दी बैंक में। बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है 7% से चल रहा है आजकल, अभी 7 भी चल रहा है। वैसे अलग अलग टेन्योर की अलग अलग रेट्स होती है, अलग अलग बैंक की अलग अलग रेट्स होती है। मेरा किया हुआ है 7% पे, इसीलिए बोल रहा हूँ 7.5 कौन सा बैंक में? HDFC। ठीक है, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे हम, ठीक है कर लेना। तो मैंने ये पैसा जो 6 महीने के लिए 50 लाख इन्वेस्ट किया, क्या होगा इससे? सर 6 महीने बाद जैसे ही एफडी की मैच्योरिटी आएगी ना, बैंक आपको ये 50 लाख विद एन इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको पेमेंट करेगा। ये जो मैंने पैसा लगाया कहीं विद अ व्यू टू अर्न रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? सो दैट आइडल कैश से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जनरेट कर सके, जो पड़े पड़े कैश जनरेट नहीं कर पाता। या फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार 50 लाख रुपया बचा हुआ है, अच्छा अमाउंट है। राजरहाट में ना मेरे को थोड़े दिन पहले एक इंक्वायरी आई कि एक अच्छी बिल्डिंग में, एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खाली है, 3 BHK का 1000 square feet का फ्लैट है। रेट अभी वो लोग खोला है मान लो 5000 रुपया का स्क्वायर फिट, 5000 रुपया पर स्क्वायर फिट इंटू 1000 square feet 50 लाख रुपये का फ्लैट पड़ेगा। मैंने बोला इस बैच का आया पैसा, अभी इस पैसे का दरकार है नहीं, मैंने वो 50 लाख में फ्लैट खरीद लिया। क्वेश्चन अराइजेस, सर आपने वो फ्लैट क्यों खरीदा? मैंने बोला देख रहूंगा नहीं। बोला रहूंगा नहीं तो क्या करेंगे सर, ट्यूशन सेंटर खोलेंगे? मैं बोला नहीं, वहाँ नहीं खोलेंगे, वहाँ क्या करेंगे, CACS के बच्चे वहाँ नहीं जाते, कॉलेज के बच्चे होते तो अलग बात है, वहाँ एक्जेवियर्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बच्चे आते हैं, हमारे लिए वहाँ पे स्कोप नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बोला सर तो क्यों खरीदे? मैं बोला कुछ नहीं रे, राजरहाट अभी ग्रोइंग एरिया है, धीरे धीरे मेट्रो वगैरह बन रहा है, 2-3 साल के अंदर ये 5000 square feet का जो जगह है ना, वो 8-9000 square feet का रेट हो जाएगा, उस दिन बेच के नक्की कर देंगे। तो यहां पे बताओ मैंने 50 लाख रुपया जो बिल्डिंग में लगाया किस इंटेंशन से लगाया? सर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा बेचेंगे, बेच के रिटर्न अर्न करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हम लोग इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। पहले बोलो ये समझ में आया? एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, 50 लाख रुपया तुमसे आया, 30 लाख का एफडी कर दिए, 20 लाख का सोचा जुआ खेलेंगे। जुआ मतलब इक्विटी मार्केट्स में लगाएंगे, ऑर्गेनाइज जुआ खेल रहे हैं। क्या नवनीत भैया, मेरे भाई को ऐसे मत बोलो, तो ऑर्गेनाइज्ड जुआ खेल रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाएंगे। मैंने क्या किया, अभी मैं मार्केट देख रहा था, सब कुछ देखा, मेरे को लगा अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद के रख देना चाहिए, 1-3 साल में अच्छा दाम मिलेगा तब बेच देंगे, और बीच में थोड़ा डिविडेंड वगैरह का खा लेंगे, थोड़ा सा कमाई, रिलायंस डिविडेंड पे करता है, वो डिविडेंड की भी कमाई हो जाएगी। तो मैंने ये आइडियल कैश क्या किया, इस आइडियल कैश का रिलायंस के शेयर्स में लगाया, जिससे मेरे को ओवर द पीरियड जब तक मैं होल्ड करूंगा, एक तो डिविडेंड की कमाई हो जाएगी, और जिस समय बेचूंगा मेरा इंटेंशन अगर दाम बढ़ा हुआ रहेगा तो मेरे को प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंटेंशन। सर मान लीजिए बेचे और नुकसान हो गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट ही होगा, इन्वेस्टमेंट किया है तो कमाई ही होगा।
वो एफडी जैसे चीज़ों में ठीक है, बट बिल्डिंग जैसी चीज़ों में, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में हमेशा सही हो ज़रूरी? सर बिल्डिंग में भी तो प्रॉफिट ही होता है। मान लो डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, अब 50 लाख रुपया तुम्हारे से आया, तो सर मैंने कहा मैंने अभी इन्वेस्ट कर दिया, अचानक से 2 महीने बाद फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, और मेरे को अभी के अभी सल्टाना है नो मैटर वॉट कितना भी मिले, तो हो सकता है 50 लाख की चीज़ मेरे को 48 में भी बेच के निकलना पड़े, क्योंकि वो आदमी बोल रहा है आज कैश दूंगा। मैं बोला ले प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, 48 लाख रुपया दे, मेरे को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट होगा ही, रिटर्न आएगा ही। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को उससे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। मेरा इंटेंशन है कि ये एसेट मैं होल्ड करूंगा सो दैट मैं इससे रिटर्न जनरेट कर सकूं। होना या नहीं होना ये सब कुछ भगवान पर डिपेंड करता है, टाइमिंग पर डिपेंड करता है, ये हमारे पर डिपेंड नहीं करता। कुछ चीज़ें लक फैक्टर हो जाते हैं। मान लो राजाराट में कुछ ऐसा हो गया जहां बोला कि जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो पूरा का पूरा खारिज हो गया, वो नहीं बनेगा, तो जो लोग वहां रहने लग गए थे मेट्रो का सोच के वो लोग भी छोड़ के जा रहे, बोला नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टी खाली का खाली हो रहा है। तो हो सकता है 50 लाख में खरीदा हुआ चीज 20 लाख में ना बिके, या मेरे को 10-15-20 साल होल्ड करना पड़े ताकि उसकी वो वैल्यू बने, अभी वो बनने वाली। हो सकता है वैसा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि भैया तुम्हारा कट भी सकता है, ध्यान रखना। फिर कटने के बाद मत बोलना हमने तुम्हारा काट दिया, हम पहले ही बोल रहे हैं कि भैया ये सब्जेक्ट टू रिस्क है, इस पे कोई किसी का गारंटी नहीं है। ये सब भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी विद अ व्यू टू अर्न रिटर्न। वो स्टार्टअप में पैसा लगाया, स्टार्टअप ग्रो करेगा, जब स्टार्टअप का एक वैल्यू बन जाएगा वो अपना शेयर किसी और को बेच के खुद निकल जाएगा, वो भी विद अ व्यू टू अर्न रिटर्न। बस वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स है, वो पब्लिक जैसा मार्केट में ट्रेड हो जरूरी। खाली इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में, मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी एक कंपनी आप जानते हो, खोलो पहनो प्राइवेट लिमिटेड, वो केपी प्राइवेट लिमिटेड रेडीमेड गारमेंट का जोरदार धंधा कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर भी आपको बताए थे कौन है अभी, छोड़ो, हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी है और हमारा कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने सोचा इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, बोला प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? सर ये शेयर किसको बेचेंगे बाद में, बेचना चाहेंगे तो अरे कोई ना कोई मिलेगा, जैसे आज हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाद में भी कोई ना कोई, हाँ खोजना पड़ेगा। रिलायंस जैसे रेडी नहीं मिल जाएगा। अब रिलायंस का शेयर किसी को खरीदने बोलो तो अभी मार्केट में तुमको लाखों लोग मिल जाएंगे जो रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं, बस भाव जैसे ही तुम्हारा टैली करेगा उसके साथ तुम्हारा शेयर निकल जाएगा उसके पास। बट वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर शेयर बेचना हो तो थोड़ा समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? सर वो मार्केट में ऐसे ट्रेड नहीं होता है, उसके लिए आपको एक मुर्गा खोज के लाना पड़ेगा और उस मुर्गे को वो शेयर पकड़ाना पड़ेगा। वो आदमी देखेगा कैसी कंपनी है, धंधा अच्छा कर रहा है कि नहीं, प्रमोटर्स कौन है, कौन कौन मैनेजमेंट में है, काम कैसा चल रहा है, धंधे का फ्यूचर क्या है, वो सब देख के पैसा लगाएंगे। ऐसे पैसा जिसको आप लोग स्टार्टअप में बोलते हो ना पिच करने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फंडिंग उठाने के लिए, वो फंडिंग उठाने के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जाना पड़ता है क्योंकि उनको मार्केट का एक्सेस नहीं है। मार्केट का एक्सेस लेने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर उसके बाद आपको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में, तब जाके आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो। मार्केट मतलब आम पब्लिक से पैसा। सर आम पब्लिक से पैसा क्यों उठाने जाते हैं? क्योंकि यहां करोड़ों लोग हैं, सब लोग 10-10 रुपए। इंडिया जैसा अगर कंट्री, 120 करोड़ का पॉपुलेशन, अगर हर जन 1 रुपया भी 10 रुपया भी पाकिस्तान को दान में दे तो पाकिस्तान 2-5 साल चल जाएगा। तो हमारे इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, अगर इन्वेस्टमेंट आपको लेना है और आप चाहते हो कि भैया 1-2 जन पे बर्डन नहीं होना चाहिए, हम पब्लिक के पास जाएंगे, हर जन 100-100 रुपया भी लगाएगा तो सोच कितना, 12,000 करोड़ रुपया उठा लेंगे। सर सब लोग शेयर मार्केट थोड़ी करता है, 2 करोड़ करता है, 5 करोड़ करता है, हर जन 1,000-1,000 रुपया भी लगाया, 10-10 हजार रुपया भी लगाया तो कितना रुपया आएगा? इसीलिए मार्केट का एक्सेस चाहिए। तो ये जो हमने अलग अलग जगह पैसे डाले हैं, जब पर हमारा इंटेंशन क्या है, बोलो इंटेंशन, टू अर्न रिटर्न्स, रिटर्न में बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रेंटल्स, कैपिटल एप्रिसिएशन और सिमिलर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको ऐसे कोई बेनिफिट्स अगर आ रहे हो तो वो उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकता है। सर सिमिलर बेनिफिट्स का एग्जाम्पल दो, रॉयल्टी बोल सकते हो, मैं बोलूंगा प्रॉफिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट किया, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा?
बोलो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। तो जब भी वो प्रॉफिट्स कमाएगा उसका एक हिस्सा हमको भी मिलेगा, हाँ या ना? तो ये भी तो एक बेनिफिट है जो हम लोगों को मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके से बेनिफिट यील्ड कर सकते हैं। अगर मैंने इन बेनिफिट्स के लिए कहीं पर भी पैसा लगाया है, इनको हम लोग अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बोल के रिकॉर्ड करेंगे। और इनकी अकाउंटिंग के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है? AS 13। AS 13 का नाम बोल रहा हूं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने बोला था AS के नाम और नंबर हमें याद रखने हैं, ये काम आएंगे आपको आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करने में। तो AS 13 हो गया नंबर और इसका नाम हो गया अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। किसी को अगर वॉइस क्रैक हो गया, अब एक बार चेक करो तो ऑनलाइन। हेलो, अब एक बार चेक कीजिए ऑनलाइन, इज इट फाइन? इन इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम लोगों को AS 13 सिखाएगा। सर सब समझ में आया? ये रेंटल वाला वर्ड समझ में नहीं आया, रेंटल में कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेंटल के लिए? वही सेम राजाराट का प्रॉपर्टी का एग्जांपल। मैं बोला अभी अभी बेचूंगा नहीं, दाम बढ़ने दो, बट जब तक दाम बढ़ रहे तब तक मैं क्या करूं, इसको भाड़े पर लगा के हर महीने 15,000 तो कमाऊं, सो दैट अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा है वो निकले और थोड़ा सा रिटर्न घर पे आ सके। तो रेंटल के लिए भी अगर मैं कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं तो वो भी मेरे लिए एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। बट सुन ध्यान से, एक होटल कंपनी है, होटल कंपनी का धंधा क्या होता है? होटल का रूम को भाड़े पर दे के रेंट कमाना। बट क्या वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है? मतलब क्या उसका रेगुलर धंधा है? अगर रेगुलर धंधा है तो फिर वो होटल का बिल्डिंग उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट है, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोग अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें ना, लैंड एंड बिल्डिंग तीन जगह कैटेगराइज हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक। अगर मैं बात करूं लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे ये जगह मेरे पास है, ये मैंने क्यों होल्ड कर रखा है? पढ़ाने के लिए क्लासरूम, और ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हाँ या ना? अगर मैं अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई लैंड बिल्डिंग ऑक्यूपाई करके रखता हूं फॉर द पर्पस ऑफ माय डे टू डे बिजनेस, दैट इज ट्रेडेड एज अ फिक्स्ड एसेट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर यही रहेगा, AS 10। दूसरा, मैंने राजरहाट में लैंड बिल्डिंग खरीदा, क्यों? सर दाम बढ़ेगा बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तीसरा, सर मैं एक रियल एस्टेट डीलर हूं, लैंड बिल्डिंग खरीदता हूँ टाइम टू टाइम बेचने के लिए। सर हमारा काम ही यही है, सर खरीदते हैं लैंड बिल्डिंग, कोई मुर्गा मिलता है उसको बेच देते हैं, फिर नया लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं, मिलता है बेच देते हैं। हम कोई डिजायर्ड प्राइस का वेट नहीं करते, हमारा तो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है कि भैया आया कोई मुर्गा मिला बेच दिया, 2-5, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 जो कमाना है कमा लिया, फिर नेक्स्ट में इन्वेस्ट किया, फिर पैसा कमा लिया, फिर निकाला, फिर बेच दिया। यानी यहां पे मेरा इंटेंशन अर्निंग रिटर्न नहीं है, यहां पे तो मेरा इंटेंशन है डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस में उस एसेट को सेल करना। अगर डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका काम है बिल्डिंग लैंड सेल करना, तो वो आपके लिए फिर स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मतलब ऐसे याद नहीं कर सकते लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, you'll have to see the characteristic or the reason for which you are holding that land or building. If you are holding land or building to earn return in the form of rental, to earn capital appreciation, then it is an investment. Otherwise, land and building can be a fixed asset or an inventory. हम लोगों को इन्हीं investment की accounting AS 13 सिखाएगा। पहले बताओ investments किसको बोलते हैं, ये बात समझ में आया? बचपन से लेके अभी तक इन्वेस्टमेंट की कितनी अकाउंटिंग तुमको आती है? लेट मी फर्स्ट चेक, मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग तुम जानते हो अभी तक, सो दैट हमको कितना और मेहनत करना पड़ेगा वो हम चेक कर लें। कोई एक बच्चा जिसको लगता है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जर्नल्स वगैरह बचपन में कर रखा है, थोड़ा बहुत भी लास्ट में, चलो वेरी गुड, मेरे को बताना भाई। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू चले। मान ले मेरे भाई, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5,000 शेयर खरीदा है शेयर मार्केट में। हर शेयर का बचपन में पढ़े हुए एक फेस वैल्यू होता है, सीखा है फेस वैल्यू? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का फेस वैल्यू 10 है।
बट मैंने परचेज किया है, परचेज दैट मार्केट में 10 रुपया दाम नहीं चल रहा था, मार्केट में दाम चल रहा था 2400 रुपया पर शेयर। सर 10 रुपया का शेयर 2400 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत वैल्यू क्रिएट किया कंपनी ने, सालों साल धंधा कर करके प्रॉफिट्स कमा कमा के उनको प्लॉ बैक कर करके उन्होंने अपना धंधा का बहुत वैल्यू बढ़ा लिया है। मैंने ना 5000 शेयर खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2400 रुपए पर। मेरे को एक एक करके बता, नंबर वन, क्या ये शेयर्स में पैसा लगाना इज एन इन्वेस्टमेंट? आंसर इज यस। सर इफ इट इज नॉट इन योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं बोल रहा हूं मैं टीचर हूं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज टीचिंग, तो ये शेयर्स में पैसा लगाया इज इट एन इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस। बता क्या जर्नल एंट्री होगा मेरे भाई? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ना कंपनी करता है, जिसको पैसा मिलता है। हमको पैसा मिल रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा इन्वेस्टमेंट का? ओके, बच्चा बोल रहा है सर जर्नल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी बच्चे को कोई और एंट्री लगती है? बोल भाई। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर 10 का शेयर 2400 पे खरीदा तो 2390 का प्रीमियम, वेरी गुड। ये सब गलतियां फर्स्ट क्लास में करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इश्यूअर लिखता है, इश्यूअर नहीं, इश्यूअर कंपनी, द कंपनी। सुनो, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? If shares, debentures are issued at a price above face value, the extra amount is recorded as securities premium. If issued, जो issue करता है वो लिखता है। हम जब invest करते हैं ना, हम लोग कोई भी asset, for that matter, कोई भी asset जब हम लोग books में लिखते हैं ना, हम लोग हमेशा उसको लिखते हैं cost पर। किस पर? Cost मतलब आपके pocket से जो खर्चा लगा उस asset को procure करने के लिए, उस asset को खरीदने के लिए। अभी मेरे पॉकेट से खर्चा लगा 5000 × 2400 रुपया, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना हो गया? 5000 × 2400 विच इज 12 लाख और 1 करोड़ 20 लाख, क्या होता है? 1 करोड़ 20 लाख। तो मेरे भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम सुन ले, सिक्योरिटीज प्रीमियम इन्वेस्टर कभी भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो इश्यू करता है वो खरीदता है। नंबर टू, ध्यान से मेरी बात सुना, ये जो शेयर्स खरीदा ये मैंने किससे खरीदा है? नहीं, मार्केट से खरीदा है। सर रिलायंस से खरीदा, मार्केट से खरीदा, इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। दो मार्केट होते हैं शेयर मार्केट में ना, दो मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट्स, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ऐसे ही अकाउंट्स का डिस्कशन नहीं है, बट अगर तेरे को नॉलेज ही नहीं रहेगी तो अकाउंट्स पढ़ के क्या उखाड़ेगा? अभी तेरे को पता ही नहीं है शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और तुम अकाउंटिंग सीख रहा है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, क्या करेगा उसका? सीखना पड़ेगा। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां कंपनी इन्वेस्टर्स को शेयर्स इश्यू करती है फॉर कैश। यहां पे पैसा कंपनी के हाथ में जाता है और कंपनी इस पैसे की वैसे ही अकाउंटिंग करता है जैसे मैंने तुमको सिखाई थी फाउंडेशन में, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, सीखे थे याद है बचपन में? वो वाला अकाउंटिंग कंपनी करता है, कंपनी शेयर इश्यू कर रहा है। सर इन्वेस्टर क्या करता है? वो तो बोलेगा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो मेरा कॉस्ट है उसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको कोई मतलब। पर जब मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करता हूं ना, यहां कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में नहीं, एक इन्वेस्टर का दूसरे इन्वेस्टर के साथ शेयर परचेज सेल हो रहा है। यहां कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं जाता, यहां कंपनी बीच में आती ही नहीं है, यहां कंपनी को कोई मतलब ही नहीं है, यहां कंपनी के कोई चेंजेस ही नहीं होता है, एक्सेप्ट वन। कल तक मेरा शेयर होल्डर मिस्टर एक्स था, आज मेरा शेयर होल्डर मिस्टर, वो भी कंपनी खुद नहीं देखती, कंपनी का जो डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी सीखोगे आप लोग धीरे धीरे, वो डिपॉजिटरी वो सारा डिटेल्स रखता है कि किसके पास कंपनी का शेयर्स पड़ा हुआ है। ए, क्या हो गया रे, मैंने तो छुआ ही नहीं, खाली देखने से हो जाता है। समझो बात को। तो ये जो सेकेंडरी मार्केट भी मैं बात कर रहा हूं ना, ये आपका शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में कंपनी आपको इश्यू नहीं करता है शेयर्स, कंपनी आपको शेयर्स नहीं देता, आप कंपनी से नहीं खरीदते। वन इन्वेस्टर सेल्स एंड अदर इन्वेस्टर परचेजेस, और कंपनी को इससे कोई मतलब? कंपनी बोलेगा तुम आपस में जो करना चाहो करो, मेरे को क्या करने का है?
मेरे को पैसा पहले ही मिल गया था जब शेयर इश्यू किए थे, अब बार बार मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा मेरे को पैसा। अब तुमको जो करना है, तुम आपस में परचेज सेल करते हो क्योंकि लिस्टेड है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम मार्केट से बाई सेल कर सकते हो। लिस्टेड नहीं होता तो फिर मार्केट से बाई सेल, लिस्टेड है बोल के मार्केट से बाई सेल कर सकता है। आप रिलायंस के शेयर में ये कर सकते हो, विप्रो में कर सकते हो, इंफोसिस में कर सकते हो, टाटा स्टील में कर सकते हो, आप खोलो पहनो प्राइवेट लिमिटेड में नहीं कर सकते। वो मेरा कंपनी है, मैं आपको शेयर बेचना चाहूंगा तभी बेचूंगा, आप मार्केट से मेरा शेयर खरीद नहीं सकते। तो यहां पे जो बच्चा बोला ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, तो वो ध्यान रखना वो इन्वेस्टर नहीं लिखता, वो कौन लिखता है? इश्यूअर लिखता है। इन्वेस्टर तो सीधा बोलता है 5000 शेयर खरीदा 2400 रुपया देकर, टोटल 1,20,00,000 का खर्चा लगा, 1,20,00,000 मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, इस पर मैं इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो देखो क्या जर्नल एंट्री करेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,20,00,000, टू बैंक 1,20,00,000। क्या ऐसी एंट्री कभी बचपन में आपने पास की है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बचपन याद आएगा तभी तो इंटर में नया सिखा पाएंगे, बचपन ही याद नहीं रहेगा तो इंटर में कैसे सिखाएंगे? तो एक बार 10-15 मिनट लेकर बचपन पहले रिवाइज कर लो कि हाँ सर ये सब हमको पहले से पता है, तो फिर हम नया नया इसके ऊपर रखते चले जाएंगे। इसके बाद मेरे को बताओ, मान लो यही रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाबू तुम कैरी ऑन कर सकते आगे, ठीक है? अब यही रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने पैसा लगा रखा है, 6 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ना मेरे को पर शेयर 3 रुपए का डिविडेंड दिया, 3 रुपए का, सर 3 रुपए का डिविडेंड, हाँ इतना ही मिलता है। ये डिविडेंड परसेंटेज वाइज बोलूंगा तो 30%, सो 30% का डिविडेंड, वो 30% फेस वैल्यू का डिविडेंड, इंटरेस्ट। आप लोग बचपन में जानते हो जब भी हम लोग शेयर्स डिबेंचर पे ये कैलकुलेशंस करते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेशंस होते हैं। तो वो 30% डिविडेंड दिया है, एक एक शेयर 10 रुपये का है तो 10 रुपये पे 30%, 3 रुपया, मेरे को 3 रुपया करके रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड अगर हमको मिला है किसी कंपनी से, मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड इनकम, सब एक ही बात है। बोलना जो अमाउंट कितना होगा? 15,000। ये डिविडेंड इनकम बताओ तो तुम क्या करते हो ईयर एंड पे जाकर? पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। तो मैं एक एंट्री और करूं, डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। सर ये हमने जो सीखा है वो गलत तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल सही है सर, ये सही है। मतलब एएस में भी यही सब आएगा ना? बिल्कुल 100%, तुमने जो सीखा है वो एएस ही सीखा है, बस कभी बोला नहीं AS-13 ऐसा बोलता है। अब मैं बार बार बोलूंगा AS-13 ऐसा बोलता है, मेरा बात समझा? तुम भी यही सीखा हुआ है, AS-13 भी यही बात बोलेगा, थोड़े मॉडिफिकेशन आएंगे, धीरे धीरे डील करेंगे हम लोग, ये वाला क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 2 महीने और गए, मैंने 2000 शेयर्स बेच दिए एट द रेट ऑफ 2500 रुपया पर शेयर। सीखा हुआ है तुम लोग का, एकदम डरने का नहीं है। 2000 शेयर बेचा 2500 रुपए करके। एक बार पहले सुनना, जब भी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट वगैरह बेचते थे, एक वर्किंग करते थे वो लोग क्या चीज की, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करते थे कि भैया कोई बेच के प्रॉफिट नुकसान हुआ है कि नहीं वो देख लेता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग में उस प्रॉफिट नुकसान को लिखना पड़ेगा। अच्छे से बताना, खरीदा कितने में था? 2400, बेचा कितने में? 2500। वॉट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर शेयर? 100 रुपीज। तो 2000 शेयर बेचे तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 2,00,000 रुपीज। 2,00,000 का प्रॉफिट समझ में आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2000 शेयर इंटू 2500 माइनस 2400, क्या ये 2,00,000 समझ में आता है? 2400 में खरीद के 2500 में बेचा तो 100 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट इंटू 2000 शेयर, 2,00,000 का टोटल प्रॉफिट। हाँ या ना? जर्नल एंट्री करनी है ये सेल का ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले सेल करेंगे तो पैसा आएगा, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट अच्छे से बताना, ब्रैकेट में लिखना चाहता हूं, 2000 इंटू 2500, 50,00,000 पक्का। ये पैसा क्या चीज के अगेंस्ट आया? शेयर्स बेच के। तो जो इन्वेस्टमेंट था वो अब हमको खत्म करना पड़ेगा, टू इन्वेस्टमेंट, पूरा नहीं, 2000 शेयर का
बोल कितने में खरीदे थे? 2400. इसको 2400 पर रिकॉर्ड करके रखा हूं, 48 लाख 2 PL 2 लाख. क्या ये बचपन में आपने एंट्रीज कर रखी है? कोई भी प्रॉफिट लॉस होता था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह पे, तो आप उसको सीधा पीएल में ट्रांसफर कर देते थे. जिस साल बिकेगा उस साल के पीएल में प्रॉफिट होगा तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो पीएल डेबिट हो जाएगा. क्या हम लोग एक बार चेक करो ऑनलाइन. क्या बोला तुमने? ये 3000 शेयर्स मेरे पास बैलेंस शीट डेट पर पड़ा है. बोलो क्या करेंगे? ये मेरा अभी भी एसेट है. हाँ, ये हम लोग बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे? एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट बोल के. तो ये 3000 शेयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आएगा, इन्वेस्टमेंट बोल के. मेरे को कोई इसकी वैल्यू बताओ ना. वेरी गुड सर. 3000 शेयर परचेज एट 2400, तो कॉस्ट इज 72 लाख. 72 लाख ऐसे ही दिखाते हो? हाँ या ना? क्या बचपन में ये सब किया हुआ है? अरे फाइनल अकाउंट्स में भी किया हुआ होगा, एनटीओ में भी किया हुआ होगा, रिसीट पेमेंट्स में. तुम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज सेल दिखाता है, इंटरेस्ट वगैरह दिखाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह दिखाता है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिखाता है. ये हमने कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखा है. आपने जो ये सीख रखा है ना, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है. AS 13 भी यही बातें बोलता है, बट वो इसके बाद भी बहुत सारी बातें बोलता है जो अब हम लोग को सीखनी है. जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए. पूछना मत आंसर क्या है, बात का बाद में देखेंगे. 2400 में मैंने खरीद रखा है, हाँ या ना? मार्केट में रिलायंस का प्राइस 31 मार्च यानी बैलेंस शीट डेट पर 2500 हो जाए तो क्या, 2200 हो जाए तो क्या? ऐसा कुछ सोचना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? क्या तुमने इसके बारे में बचपन में कभी सोचा है? कहां सोचा? इन्वेंट्री इज डिफरेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. आप इन्वेंट्रीज और इन्वेस्टमेंट को मत मिलाइए. कंजर्वेटिज्म बिल्कुल प्रिंसिपल सही है, कंजर्वेटिज्म के बारे में हम गलत नहीं बोल रहे हैं, बट पूछो तो सही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऐसा चाहता है कि नहीं? तुम्हारा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है सर 2500 रुपया है ना, तो इग्नोर कर दीजिए, मत देखिए इसको, ख्याली पुलाव मत बनाइए. 2200 है तो भैया 200 का नुकसान हो सकता है, और कंजर्वेटिज्म बोलता है नुकसान को लिख लीजिए. बट पहले मेरे को अकाउंटिंग के रूल्स तो देखने पड़ेंगे क्या है, उसके बाद बात करेंगे. तुमने ना गलत नहीं सोचा, तुमने सही सोचा, बट ये हमेशा सही नहीं है. हम लोगों को इस पर चर्चा करनी है. मतलब तुमने बचपन में जितना पढ़ रखा है वो तो ठीक है, अभी उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत चीजें ऐसी है जो हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी, और उसी के लिए अब हम लोग AS 13 पढ़ रहे हैं. बचपन का रिवीजन सारे बच्चों को हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या है सब बच्चों को समझ में आ गया. मैं इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुनना ना. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज, बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स है. सब में अलग अलग मोटिव है. जैसे किसी में इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ, किसी में डिविडेंड्स कमाना चाहता हूँ, किसी में प्रॉफिट्स कमाना चाहता हूँ, किसी में रेंट कमाना चाहता हूँ, कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ, अलग अलग है. बट सब में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रिटर्न कमाने का ही हमारा इच्छा है, ऑब्जेक्टिव है, इंटेंशन है, एक्सपेक्टेशन है. और ऐसे एसेट को जब भी हम लोग अपने बुक्स में दिखाएंगे, क्या नाम देंगे उसको? इन्वेस्टमेंट्स. हाँ दीदी. अभी नहीं आएगा उस वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह नहीं आते, हम लोग यही करते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे बाद में. अभी के लिए प्रॉफिट लॉस में, पीएल में ही जाएगा, कोई रिजर्व में नहीं जाएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आप लोगों को बचपन में जिस तरीके से समझाया गया ना, वो सही नहीं है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI बैंक्स को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने बोलते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है,
तो अगर कहीं उनको लगता है नुकसान वगैरह हो सकता है तो उसके लिए पहले से ही वो रिजर्व्स क्रिएट करके रखते हैं, सो दैट फ्यूचर में नुकसान हो भी जाए तो वो नुकसान उनके प्रॉफिट्स को इफेक्ट ना करे। ये हर जगह नहीं बनते, हमारे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नॉर्मल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल के चीजें ही नहीं होती है। तो वो थोड़ा बचपन में आपने पार्टनरशिप वगैरह में वर्ड्स देखे हैं बट वो रियल लाइफ में आपको नहीं देखेंगे, ठीक है ना डन, उसको हम लोग देखेंगे बाद में डील कर लेंगे। बेसिक क्लियर हुआ पक्का? अगर बेसिक क्लियर हुआ तो हम लोग अपने समरी मैट का पॉइंट नंबर 1 रीड करेंगे सारे बच्चे। लर्न नहीं करना है, जहां लर्न करना होगा मैं खुद बोल दूंगा, सिर्फ रीड करना है। निकाल कर ही दे देता। जेवियर से कौन कौन है? नहीं ऐसे ही पूछ है, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस मतलब जो क्लास में सोएंगे वोएंगे देख लेंगे, तब हम इनको कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, ऐसे ही बहुत ज्यादा खा के आए हैं पट्टा वट्टा पहन के, अच्छा नहीं लगता किसी तड़पे हुए को और तड़पाना, बाद बाकी कोई सोएगा तो बोल देंगे सोएगा रहा है, पढ़ाई कर, क्या समझता है, जिंदगी खराब कर लिया है तुम लोग, वो भी अब 4 साल है तुम लोग का कि 3 साल? हाँ क्या कौन तुम लोग अभी नहीं, अभी रियलाइज नहीं करोगे, जस्ट लेट 2 months 3 months गो, प्रेशर टू बिल्ड, अरे नहीं रे, फाउंडेशन का प्रेशर और इंटर के प्रेशर में अभी तुमको जमीन आसमान का फर्क लगेगा, वहां तुम इंडक्शन के ऊपर बैठे थे, यहां तुम भट्टी के ऊपर बैठोगे। इंडक्शन क्या है, गर्म करता है अंदर से, बाहर को पता नहीं चलता है, और भट्टी बाहर अंदर सब गर्म कर देगा तुम्हारा, देखना तुम, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं ना तो हम एकदम प्रिसाइजली तुमको बता सकते हैं तुमको कहां कहां प्रॉब्लम आएगा। फिर इसके बाद जलवा होगा आर्टिकलशिप में। दीदी लोग जो जेवियर्स वगैरह में पढ़ती है आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है, बट आगे जाकर कुछ तुम्हारे साथ एडवर्स इवेंट्स हो तो दुखी मत होना, जैसे आर्टिकलशिप नहीं लगना। सर ये सब मत बोलिए सर, देखो सत्य पहले से पता होना तो दुख कम होता है। आर्टिकलशिप नहीं लगना अच्छे फर्म्स में बिकॉज आपका टाइमिंग बहुत ऑड है, 3:30 बजे कौन सा कॉलेज होता है, एक तो जेडी बिल्डर और एक तो सीरियस, दोनों अपना टीम ऐसा बना रखा है कि बच्चा को बस कॉलेज ही आना पड़े और कुछ वो जिंदगी में ना कर पाए। दे डोंट वॉन्ट यू टू डू इट। अभी देखना, सिंपल बात कर रहा हूं, हमारे क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है तो भी तुम आ जाते हो, वहां बोल दे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, सत्य सत्य वचन कड़वा होता है बट जो है वो यही है। उनको अटेंडेंस कंपलसरी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो जानते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा हमारे यहां, हाँ कोई नहीं आएगा, नो वन विल बोदर, अरे जज जो है तुम्हें पैसा रख और चुप रहे, अपना लास्ट मिनट तो सर्टिफिकेट दे देना, हम सेंट जेवियर से पढ़े हुए हैं, हम टांग लेंगे अपनी दीवार पे और बायोग्राफी में लिख देंगे, मतलब बायोडेटा में लिख देंगे, सॉरी बायोग्राफी क्यों लिखोगे तुम, और ऊपर से पीजी भी है तेरा, सब ना नीचे बहुत कुछ अच्छा खाने को है, ऐसा कचरा मत बोल, पीजी में भी ऐसा ही बन रहा है सब जगह। हम सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं, वो वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। चलो तो ठीक है, छोड़ो होगा, पढ़ो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन पढ़िए। बोला इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, अंडरलाइन द फर्स्ट वर्ड एसेट्स, मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। एसेट होना मतलब फ्यूचर बेनिफिट जनरेट कर पाएगा ये तुम्हारे लिए। हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम, इनकम अर्न करने के लिए रखे हैं। बाई वे ऑफ इनकम कैसे, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन और अदर सिमिलर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज।
इनकम बोला इंटरेस्ट डिविडेंड, रेंटल फिर कॉमा दिया बोला फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर वो इनकम नहीं हुआ तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए, वो भी नहीं तो कोई और सिमिलर बेनिफिट मिल जाए, तो मैं उस चीज के लिए जब कहीं पैसा लगाता हूं तो मैं उसको अपना क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। जनरली इन्वेस्टमेंट हम कम करते हैं या क्यों करते हैं बोलो, सेविंग्स को चैनलाइज करने के लिए, ताकि कैश आइडल ना रहे और वो रिटर्न जनरेट करके हमारे लिए ला सके। अगर हमारे पास धंधे में अपॉर्चुनिटी है तब हम कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल मेरा धंधा ऐसा है, फॉर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, एक साथ साथ मान लो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोल रखा है जूट बैग्स, और मेरे धंधे में डिमांड यूज है, अगर कहीं से पैसा फ्लो होता रहे तो धंधा बहुत जोर चलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, तो हम शेयर मार्केट में पैसा थोड़ी लगाएंगे, हम FD में थोड़ी लगाएंगे, हम यहाँ से पैसा निकालेंगे कमा के, उस पैसे को उस जूट बिजनेस में लगाएंगे, वहां से पैसे को डबल करके आगे निकाल लेंगे। ऐसे ही होता है, धंधा ऐसे ही बढ़ता है। ये बड़े बड़े कंपनीज इतने बड़े कैसे हुए, इन्होंने एक धंधे में कमाई की, उस धंधे से पैसा आया तो एक नए धंधे में पैसा लगाया, अगर वो धंधा चल गया तो ये वापस आगे बढ़ते चले गए, वो धंधा बर्बाद हो गया तो पूरा बर्बाद हो गया, भट्टा बैठ गया। जो नॉर्मली लोगों के साथ हुआ जब उन्होंने बहुत पैसा कमाया, नॉर्मली इंडिया में जब भी बहुत कोई पैसा कमा लेता है ना तो वो एक धंधा करता है रियल एस्टेट, और वो रियल एस्टेट बहुत लोगों को डुबाया है, इंक्लूडिंग कंपनी कॉल्ड सत्यम। सत्यम जो कंपनी था उसका एक सिस्टर कंसर्न था, उल्टा नाम मेटियस, MATYAS, जैसे सत्यम है ना, MATYAS, मेटस ऐसा कुछ था। सत्यम का उल्टा नाम क्या होता है रे, देख तो SATYAM, तो इसका होगा MAYTAS। ये एक कंपनी बनाया वो लोग, ये कंपनी रियल एस्टेट का काम करता था। अब यहां से जितना पैसा कमाता था, एक्चुअली ये जो IT कंपनीज होती है दे आर वेरी कैश रिच बिजनेस, बहुत कैश रिच बिजनेस होता है, बड़ा मार्जिन होता है तो कैश बहुत बड़ा इनके पास आता है। जैसे TCS, इंडिया का सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी TCS को बोला जाता है, सबसे ज्यादा कैश रिजर्व जिसके पास है वो है TCS। अब यहां पे इतना बड़ा पैसा जनरेट होता था, रामलिंगम राजू बोला क्या करेंगे इतना पैसा लेके, एक काम करते हैं नया कंपनी बोलो, एक नया बिजनेस करेंगे रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट में पैसा लगाने गया। अब रियल एस्टेट क्या है, रिस्की बिजनेस है, बिल्डिंग बनाना डिफिकल्ट नहीं है, बनाने के बाद बेचना बहुत डिफिकल्ट है, और कहीं मार्केट में डिमांड गिर गई तो वो सारा का सारा पैसा अटका हुआ रह जाएगा, वो बिल्डिंग फिर कोई खरीदता भी, उन्होंने लगाया मार्केट में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो मार्केट में माल बिकना बंद हो गया, सारी लिक्विडिटी खत्म हो गई, धंधा खराब हो गया और ऐसे खत्म हो गए, और फिर उनका स्कैम जो था वो भी पकड़ा गया, तो इसी तरीके से सारा बिजनेस ही खत्म हो गया। सेम शायद कैफे कॉफी डे वाले के साथ भी शायद यही हुआ था कि उन्होंने अपना बिजनेस एक धंधे से बहुत पैसा कमाया, उस पैसे को दूसरी जगह लगाया, वो पैसा वापस आया नहीं, तो यहां जो मेन बिजनेस था जिसमें बहुत कमाई हो रहा था वो बिजनेस भी डाइल्यूट हो गया। नॉर्मली इंडिया में यही है, कोई भी आदमी एक लेवल से ज्यादा पैसा कमा लेगा ना, उसका पहला धंधा जो शुरू करेगा वो है रियल एस्टेट। सबको ऐसा लगता है रियल एस्टेट में तो भयंकर कमाई है, भयंकर कमाई के साथ भयंकर रिस्क भी है। एक प्रोजेक्ट डिले होना शुरू हुआ, उसका इंटरेस्ट जो लगेगा ना, ब्याज जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, अगर सारा पैसा तेरा भी है वो तुम माल बेच के नहीं निकाल पाएगा, मतलब लास्ट में जब माल बेच के कंप्लीट करेगा और हिसाब करेगा ना, तेरे को लगता है FD में ही लगा देते तो ज्यादा आ जाता। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट डिले होना कोई बड़ा बात आम बात है। यहां पे प्रोजेक्ट शुरू होता है 2010 में, कंप्लीशन टाइम 2015-2022 तक प्रोजेक्ट चल ही रहा है, सर पहले ही बिक जाता है ना, सब एडवांस में आ जाता ना, हर का नहीं आता, अच्छे बिल्डर्स का बात अलग है। जैसे कैलकटा बोलो तो एक PS ग्रुप है, वेरी गुड बिल्डर, अगर PS ग्रुप कोई बनाएगा ना कोई प्रॉपर्टी तो वो बिक जाता है, एडवांस में ही सब बुकिंग आ जाता है उसका, क्योंकि उसका माल ही ऐसा है, उसका लोगों का वो है कि ये टाइम से बना के दे देगा और उसका माल का क्वालिटी एकदम बेस्ट है, वो बिक जाएगा। बट हर जगह जन का बिके जरूरी नहीं है। पहले बताइए इन्वेस्टमेंट्स किसको बोलते हैं, ये बात क्लियर है। द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ AS 13, अंडरलाइन AS 13 का नाम मैंने बोलो क्या बोला था, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई लिखना चाहे लिख सकता है, वेरी गुड, लिख सकते हो, बताना नहीं है। एग्जाम्पल कौन है वो दीदी, पहले बता दो, ओ, समझ गया, ठीक है। एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो उन
उनके लिए वो इन्वेंट्री भी है, बट AS2 में हम लोग सीखे थे कि वो शेयर डिवेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड को कवर नहीं करेगा, तो AS13 के हिसाब से अकाउंटिंग होगा अल्टीमेटली, बट वो इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री फॉर दी पर्सन. नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज. इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, कमोडिटीज बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा. एक सेकेंड, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा. नंबर फाइव, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड जानते हैं क्या होता है? अबे सब ये जानते सर, है क्या पता नहीं, सब्जेक्ट मार्केट रिस्क जरूर है. इन्वेस्टमेंट इन प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिजनेस. ये अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट है विद डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट अल्टीमेटली इट्स अर्निंग इनकम, अर्निंग रिटर्न. आप इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बोलिए एक धंधा करते हैं, दोनों मिलके वो पार्टनरशिप फर्म बन गया, आप पैसा लगाइए उसमें, आप अपना पार्टनरशिप फर्म खोल लीजिए. मतलब मैं बोलने की बात ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीए बन गए, आप अपना एक काम कर रहे हैं, आप साथ साथ बोले प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रैक्टिस अकेले से होगा नहीं, किसी पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, वो काम देखेगा, हम पैसा वैसा लगा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म हो गया. दोनों जन ने मिलकर पैसा लगाया, प्रॉफिट्स हुआ तो मिलकर कमाए, हम लोग बांट लिए प्रॉफिट्स, वैसे जैसे नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में धंधा करते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नवीन क्लासेस में पढ़ाने के लिए टीचर्स आर ऑलवेज इनवाइटेड एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट विच आई एंड नीड टीच. हाँ हम अकाउंट्स पढ़ा रहे, तुम बोले सर सर आपके पास बैठ के हम भी इंटर अकाउंट्स पढ़ा लेंगे, ठीक है, तुम बोले टैक्स पढ़ाएंगे, मतलब टैक्स नहीं सॉरी ऑडिट पढ़ाएंगे, लॉ पढ़ाएंगे, सब चलेगा. हाँ उस फर्म का कैपिटल होगा, आप जो भी पैसा लगाते हो बिजनेस में, उस बिजनेस के लिए कैपिटल है, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है. हम लोग, आप दोनों साइड से देख रहे हो, अभी हम लोग इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, तो हम लोग AS13 में जितनी भी बात करेंगे ना, वी आर टॉकिंग एज इफ वी हैव इन्वेस्टेड मनी. तो वन हु पुट्स इन मनी इन अ पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए वो हो गया इन्वेस्टमेंट, एंड फर्म के लिए वो हो गया कैपिटल. आप जब कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू, एंड कंपनी के लिए दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. कोई भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए सोर्स ऑफ कैपिटल होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा, उसके लिए पैसा होगा जो वो धंधा में लगा के धंधा करेगा, तो वो वैसे होगा आपके लिए, दैट विल बी एन इन्वेस्टमेंट. तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर सारा बात करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. डोंट टॉक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इश्यूअर, कंपनी के व्यू पॉइंट से, फर्म के व्यू पॉइंट से, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से नहीं. दे आर इश्यूअर्स, वी आर इन्वेस्टर, सो वील थॉक थिंक फ्रॉम अवर व्यू पॉइंट. डन, ये हो गया यहां तक बात. अब सुनना, AS13 इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग आपको सिखा रहा है. इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में क्या क्या बोला AS13, वो मैं एक एक करके बात आपको बोलते जा रहा हूं. आपने बचपन में पढ़ रखा है, मैक्सिमम चीजें आपको आती है, थोड़ी बहुत नई बातें हैं, बस वो मेरे से सीख लो. एक एक करके बात कर रहा हूं, बहुत इजीली तुमको समझ में आएगा. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप बोर्ड को रेफर करो, एक एक करके हम सारा समरी बुक में लिख लेंगे बाद में. बोल, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में क्या इवेंट होगा? सर आप इन्वेस्टमेंट अक्वायर करोगे, इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदोगे या इन्वेस्टमेंट्स करोगे, कुछ भी बोलो, आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, तब सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने बोला, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू विल ऑलवेज रिकॉर्ड दोज इन्वेस्टमेंट इन योर बुक्स एट कॉस्ट. किस पे लिखेंगे? कॉस्ट पे. और आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
टू बैंक या कैश, जो भी, टू बैंक या कैश। हम लोग ना हमेशा बैंक ही लिखना प्रेफर करते हैं, कैश बैंक एक ही होता है, मेरे लिए दो अलग अलग है ही नहीं। व्हाट इज कैश? इज सेम बैंक, बस कैश मतलब आपका आपके पास पड़ा है, बैंक मतलब आपका किसी और के पास पड़ा है। मैं पैसे की बात कर रहा हूं, आपका पैसा आपके पास पड़ा है तो वो कैश है, आपका पैसा किसी और के पास पड़ा है तो वो बैंक है। अभी देखो क्या होता है ना, ये वर्ड्स वगैरह पे खेलने का नहीं, मैं जो बोलता हूँ एकदम सटीक मीनिंग से बोलता हूँ। मैं जैसे ऐसे बोला, तुमने अपना किसी के हाथ में दे दिया कैश, अरे तुमने अपना किसी के हाथ में दे दिया कैश, मतलब वो बैंक का बात कर रहे हैं हम कोई पॉज लेते ही नहीं है। तुम्हारा माइंड वो सब सोच रहा है कि सर अब कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छा देंगे, कुछ गंदा बोले, नहीं, वेरी प्योर फ्रॉम माइंड। अच्छा आदमी, ये हैशटैग तो मेरे को पूरा फाउंडेशन में तुम दिए ही थे, इंटर में आई मेंटेन, ठीक है। फाउंडेशन में देख, लास्ट फर्स्ट क्लास से 120 नंबर क्लास तक हैशटैग अच्छा आदमी बस एकदम एकदम वो था मेरा कि कोई कभी नहीं हटा। हाँ, दो होमवर्क था तो मेंटेन है, ये क्या बात, ये टाइप का लड़का लोग का ना बहुत प्रॉब्लम है, इसकी बंदी किसी और से बात कर लेगी ना, इसकी बंदी किसी और से बात कर लेगी, ये क्या क्या सोच लेगा तुमको मगा नहीं सकता। चलो थोड़ा तुम ब्रॉड करो थिंकिंग यार, चलो इधर। इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग अक्वायर करेंगे, इनिशियली जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, हम कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट। जर्नल एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सबसे पहला ये सीखना है तुमको, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो दैट हम लोग ये जर्नल एंट्री पास करके इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर सके। एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूं, तुमको धीरे धीरे बोलूंगा तो सब समझ में आने लग जाएगा क्या क्या चीजें कॉस्ट में कैसे कैसे आएंगी। जैसे मानो मैंने ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स खरीदा, ठीक। अब शेयर का ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये कैसे कैसे हुआ ध्यान से सुनना। मैंने जो शेयर का परचेज, मान लो एक ही शेयर खरीदा, वन शेयर, परचेज प्राइस 2400, ये परचेज प्राइस वो अमाउंट है जो मेरे को सेलर को देना होगा। मैंने उसको बोला मैं 2400 में रिलायंस का शेयर तेरे से खरीदूंगा, तो बोला ठीक है 2400 रुपये दे, मैं तेरे को रिलायंस का शेयर दे रहा हूँ। क्या ये 2400 रुपये लगता है? नहीं, जब आप मार्केट से ट्रांजैक्शन करते हो कुछ और खर्चे भी लगते हैं, जैसे एक स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा लगता है, एक ब्रोकरेज का खर्चा लगता है, ब्रोकरेज जीएसटी नहीं है, एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जीएसटी परचेज सेल ऑफ शेयर्स पे नहीं लगता। आप बोलोगे देख आप सीखोगे ट्रांजैक्शन इन मनी इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी, तो जब हम लोग जीएसटी शेयर्स परचेज वगैरह करते हैं तो जीएसटी नहीं लगता, उसमें लगता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब मान लो जब मैंने ये शेयर खरीदा ना, 2 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी लगा, 10 रुपए का ब्रोकरेज लगा और 5 रुपए का एसटीटी लगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब मैं तुमसे पूछू बता, फिर एक शेयर अगर मैंने खरीदा तो मेरे पॉकेट से कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ सर? 2417 रुपए, इसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट, विच में इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटी फीस, which may include some legal charges, which may include some STT securities transaction tax, which may include some brokerage or commissions, जितने भी खर्चे उस investments को acquire करने में लगे हैं, उन सारे खर्चों को जुड़ के जो total amount हमने investments खरीदने के लिए pay किया, that is known as cost of investments. तो जब मैं ये Reliance का share purchase करने का entry करूंगा ना, पहला ज्ञान 2400 पे नहीं लिखूंगा, 2417। कुछ नया सीखा, पहला बार सीखा, ऐसा आपने पहले देखा, आप पहली बार ये सब समझ रहे हो, तो आप नई चीजें सीखने का काम कर रहे हैं, इनको सुनना अच्छे से। सर अगर ये 17 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, उसको एसेट बोल के लिख दिया, तो क्या ये खर्चे अलग से फिर पीएल में भी डालूंगा?
नहीं, ये खर्चे अब पीएल में नहीं जाएंगे, जब आपने उनको ऑलरेडी एसेट बोल दिया, एक ही चीज एसेट भी एक्सपेंस भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आपने उनको एसेट बोल के बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, अपनी बैलेंस शीट में दिखा दिया, तो हम इस खर्चे को वापस पीएल में ले जा नहीं सकते। यानी जो ब्रोकरेज लगा, स्टैंप ड्यूटी लगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन लगा, ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे, इनको हम लोग पीएल में चार्ज नहीं करेंगे। पहले वो लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये बात समझ में आया? डन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अभी एग्जांपल्स ले रहा हूं, सुनते चला जा। मैंने ना एक प्रॉपर्टी खरीदी राजरहाट में फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा? इसको भी हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस 50 लाख रुपए, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी, ये जो प्रॉपर्टी खरीदा इसमें स्टैंप ड्यूटी लगता है। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? एक स्टैंप एक्ट है, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह होते हैं तो ये एक पेपर पे होते हैं, एग्रीमेंट पेपर पे होते हैं, जिस पर आपको स्टैंपिंग करवानी पड़ती है गवर्नमेंट की। अगर उस स्टैंप पेपर पे सही से स्टैंपिंग नहीं करोगे और स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। लीगल बनाने के लिए किसी एग्रीमेंट को उसकी स्टैंपिंग करवानी जरूरी होती है। तो मान ले स्टैंप ड्यूटी लग गया मेरा 50,000 रुपया, 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। कितना? 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मेरे को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा। मैंने एक ब्रोकर अरेंज कर रखा था, ब्रोकर जो ये प्रॉपर्टी का डील पटवाया, वो बोला सर हम प्रॉपर्टी के वैल्यू का 2% लेंगे आपसे। प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख, 50 लाख पे 2%, 1 लाख रुपया वो ब्रोकर लिया। एक मैंने लॉयर को अरेंज किया अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करने के लिए, वो लॉयर फीस लिया मेरे से 10,000 रुपया अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, और कुछ लीगल चार्जेस और भी मेरे को इधर उधर देने पड़े इन दी फॉर्म ऑफ घूस 20,000 रुपया देने पड़ते हैं इन दी फॉर्म ऑफ घूस। घूस घूस समझते हो सर? बट ये तो अच्छी बात नहीं है ना, रियल लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता है, काम करवाने के लिए खर्चा देना पड़ता है, बस बोल देंगे खर्चा लग गया, बात खत्म हो गया। मिस्टर एक्स को पे किए थे कंसल्टेंसी के लिए, गवर्नमेंट को नहीं देते ना, वो किसी आदमी को दे रहे हैं, उस चेक करता है, जब तक पकड़े ना जाओ ना तब तक तुम सब सही कर रहे हो। अगर मर्डर करने के बाद कोई आदमी ऐसे खुला घूम रहा है, पता ही नहीं चला किसी को, तो उसको हम थोड़ी बोल देते हैं इज गिल्टी ऑफ क्राइम। गिल्टी ऑफ क्राइम तो तब होता है ना जब प्रूफ हो जाए। वैसे ये ब्राइब वगैरह थोड़े बहुत होते हैं और ये ना धंधे चलाने में करना पड़ता है। जैसे अभी जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत हावी हो रखा है, रास्ते में माल जाता है, देखोगे पुलिस लोग ऐसे ऐसे गाड़ी को रोक के साइड करते हैं, साइड आओ, उसमें जीएसटी के भी लोग होते हैं। अभी मेरे एक भाई का जीएसटी में गाड़ी पकड़ा गया, 25,000 रुपये का टोटल माल था, जीएसटी वाला पेनल्टी लगाया 75,000 रुपया। रूल्स है जीएसटी का, पेपर नहीं था, बिल नहीं था, चालान नहीं था, 25,000 रुपये का टोटल माल भाई वैल्यू, 75,000 रुपये का फाइन लगा माल छुड़ाने के लिए। क्यों छुड़ाया? छोड़ देता? नहीं छोड़ सकते, आपने तो नॉन कंप्लायंस किया है। नॉन कंप्लायंस किया, किसी को मार मूर दिए, उसके बाद बोले ठीक है आगे से नहीं मारेंगे, छोड़ दो। तो एक तो क्राइम हो गया ना, वो क्राइम का तो पहले भुगतान करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दोस। ऐसा थोड़ी नहीं, चल चल ठीक है तुम 25 का रख ले, जा तो घुसो, यू हैव टू टेक देम बैक। 75,000 रुपये का फाइन लगा। अब मान ले जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई आदमी पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ लिया, अब क्या हुआ? उस आदमी को छुड़ाने के लिए नहीं तो 75,000 रुपया, 5,000 रुपये उसको उधर ही सेटल कर दिया, तो हम 5,000 रुपये फ्रेट में इंक्लूड कर देंगे। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर ऑडिट करते समय हम लोग को ध्यान देना, तुम ध्यान देना कुछ नहीं होगा, बट तुमको पता है ये खर्चे आएंगे, और ये खर्चे ना इमटेरियल होते। मेरा जितना बड़ा धंधा होगा उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि धंधा कर रहे 100 करोड़ तो 50 करोड़ का ऐसा घूस खिला रहे, फिर वो धंधा कहीं कर रहे हैं आप, फिर आप चरस गांजा कर रहे हैं, तब 100 करोड़ का धंधा में 50 करोड़ देना पड़ेगा। अदरवाइज को ऐसा थोड़ी देना पड़ता, उसमें मटेरियल है, थोड़े बहुत इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम उसको लिख के दे देंगे ना ब्राइब टू जीएसटी डिपार्टमेंट, तो हमारा तुम्हारा सबका बदला लेगा फैजल। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग वो नहीं दिखाते। छोड़ना, आप बता टोटल इस राजरहाट की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कितना खर्चा लगा? 52,80,000, ये हो गया 51,80,000, ये हो गया कॉस्ट। मैं जब जर्नल एंट्री पास करूंगा, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एट राजरहाट अकाउंट डेबिट
टू बैंक, सीधा एक साथ वैल्यू 5180। क्या अब ये स्टैंप ड्यूटी वगैरह पीएल में जाएगा? नहीं सर, अब एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, उसको पीएल में वापस दिखाने की जरूरत। बोले बात समझ में आया? पक्का 100%। अब कॉस्ट बोलूंगा निकालोगे, तो कॉस्ट मतलब ऐसा बोलूं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस टू परचेज दोस इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदने के लिए जो भी खर्चा आपने पॉकेट से किया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के बताना, गलती मत करना, ये आगे काम आएगा हम लोगों को। मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, 6% इंटरेस्ट रेट है पर एनम, 6%। गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट देती है ना वो देती है साल में दो बार, आपने ये सब सीखा है बचपन में मेरे साथ डिबेंचर्स में। अप्रैल टू सितंबर का इंटरेस्ट सारा एक्यूमुलेट होके 30 सितंबर को मिलता है, और अक्टूबर टू दिसंबर का सारा, सॉरी मार्च का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके 31 मार्च को मिलता है। कैसा हो सकता है सर? कुछ भी कर सकते हैं आप अगर कोई बॉन्ड्स इश्यू करें, आप क्वार्टरली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, एनुअली कर लीजिए। जनरली लोग हाफ ईयरली एनुअली करते हैं, नॉर्मली क्वार्टरली मंथली नहीं करते क्योंकि उसमें हिसाब बहुत बढ़ जाता है, हर टाइम रेमिटेंस करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा हाफ ईयरली एंड एनुअली ज्यादा देखने मिलेगा। मैं ना मिस्टर अभिषेक है, मिस्टर अभिषेक के पास ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे 1000 पीस, 1000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे। उसने मेरे को ये 1000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स 12 लाख में बेचने की बात की गई, बात की है, फेस वैल्यू 100 रुपया, 12 लाख में बेचने की बात की। मैं कब खरीदा उससे ये गवर्नमेंट बॉन्ड? मैंने उससे बॉन्ड खरीदा 1 जुलाई को। कब खरीदा? 1 जुलाई। मैं बोला ये 12 लाख क्या चीज का ले रहा है, थोड़ा बता दे 12 लाख। बोला ठीक है, बांट के बता रहा हूं। देखो वो 12 लाख क्या चीज का ले रहा है। बोला मैंने 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक ये बॉन्ड्स होल्ड कर रखा है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई। सर 1 अप्रैल से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 31 मार्च को इंटरेस्ट मिल चुका था, बट 31 मार्च के बाद अभी तक इंटरेस्ट मिला 3 महीना से मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिला है। मैं बोला मेरे से क्यों मांग रहा है? गवर्नमेंट से मांग। बोला रुक जा, अगर हम आज तेरे को बेच देंगे तो जब ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बॉन्ड्स किसके पास होगा? तेरे पास, मेरे पास तो होगा नहीं। हम अगर बिना बॉन्ड लिए गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट मेरे को थोड़ी देगा। तो एक्चुअली क्या, क्योंकि मैं तेरे को आज बॉन्ड्स ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तुम जब गवर्नमेंट के पास आएगा गवर्नमेंट तेरे को ब्याज देगी, मेरे को ब्याज नहीं देगी। तो तुम एक काम कर, ये जो 3 महीना का मैंने बॉन्ड्स होल्ड किया था इसका ब्याज तुम पे कर दे। हम बोला हम क्यों पे करेंगे? अरे बोले तुम चिंता क्यों करता है, तुम जब गवर्नमेंट के पास बॉन्ड्स लेके जाएगा ना, गवर्नमेंट तेरे से ये नहीं पूछेगा कब खरीदा, गवर्नमेंट तेरे को पूरे 6 महीने का ब्याज पकड़ा देगा। ये होता है रियल लाइफ में इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम मतलब जहां पे एक फिक्स्ड रेट पर, एक फिक्स्ड टाइम पर आपको टाइम टू टाइम अपना रिटर्न्स मिलता है, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं। अब ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में उसने बोला 3 महीना मैंने डिबेंचर होल्ड करके रखा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, इंटरेस्ट निकालने में हेल्प करना। मैंने कितना बोला? 1000 बॉन्ड्स बोला क्या? इसको 10000 कर देना। हाँ 10000 बॉन्ड्स फेस वैल्यू 100 रुपया, इंटरेस्ट रेट 6%, कितने महीने का? 3 महीने का, निकालो 15000। बोला 15000 मैं लूंगा इंटरेस्ट का एंड 11,85,000 लूंगा मैं बॉन्ड्स का। एकदम खुल के बताया वो कि भाई मैं इस तरीके से तेरे से 12 लाख रुपए ले रहा हूं। बोलो जाती कर रहा है कि ठीक कर रहा है? ठीक कर रहा। सर मार्केट में एक बार देख लो बॉन्ड्स का इतना ही तो वैल्यू है। मैं बोला हाँ बॉन्ड्स के मार्केट हिसाब से यही वैल्यू है। बोला सर फिर कोई जाती नहीं है, इंटरेस्ट तो सर वो आपसे लेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो उसका 3 महीने का नुकसान हो जाएगा, तो सर वो 3 महीने का इंटरेस्ट आपसे लेगा। हाँ सर अगर वो 31 मार्च को बेचता, 1 अप्रैल को बेचता तो वो नहीं लेता क्योंकि उसको कंपनी से मिल जाएगा, बट अगर सर वो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च के बाद बेच रहा है तो जितने पीरियड का उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद 12 लाख के ऊपर मैंने 1% का स्टैंप ड्यूटी, 0.5% का ब्रोकरेज पे किया, और ये सब 12 लाख के ऊपर, 12 लाख के ऊपर, ऑन 12 लाख 1% का स्टैंप ड्यूटी और 0.5% का ब्रोकरेज ऑन 12 लाख हमको देना पड़ा। माय क्वेश्चन इज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट मतलब होता है अपने पॉकेट से किए गए खर्चे। अब बताओ अपने पॉकेट से क्या क्या खर्चे हुए?
12 लाख का बॉन्ड, उसके बाद 1% का स्टैंप ड्यूटी 12,000, 0.5% का ब्रोकरेज, 0.5% का ब्रोकरेज 6,000, तो टोटल हो गया 12,18,000। यस और नो? नो तो क्या होगा? ओके देखो दो बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर ये जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं ना ये आउट ऑफ पॉकेट नहीं है सर, आज देंगे कल मिल जाएगा, आज आप देंगे आपको 3 महीने बाद कंपनी से वापस एकदम वही पैसा वापस आपको मिल जाएगा, सर आप चिंता मत कीजिए। अगर मैंने आज मेरे पॉकेट से पैसा निकाल के किसी चीज के लिए दिया और 3 महीने बाद मेरे को पता है वो मेरे को वापस मिल जाएगा, तो क्या सच में ये मेरे पॉकेट से लगा हुआ खर्चा है? क्या मेरे पॉकेट से लगा हुआ कॉस्ट है? नहीं। अगर मेरे पॉकेट से लगा हुआ खर्चा नहीं है, कॉस्ट नहीं है, तो क्या वो कॉस्ट के कैलकुलेशन में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इन्वेंटरी बचपन याद करो, फाउंडेशन। हम लोग मान लो इन्वेंटरी खरीदे 100 रुपये में, 18% GST, 18 रुपया। हमको पता है ये जब इन्वेंटरी हम सेल करेंगे ना हम इस 18 रुपये GST को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो जब आप कॉस्ट निकालते हो कैसे निकालते हो? सर सिर्फ 100 रुपये को कॉस्ट मानते हैं, 18 रुपये को कॉस्ट नहीं मानते, क्योंकि सर हमको पता है ये मेरे को फ्यूचर में वापस रिकवर। कभी भी कोई भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे जो तुम्हारे पॉकेट से अल्टीमेटली खर्चा लगा। मैं सिंपल तरह से पूछता हूं, तुम एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए का, इसके बाद गवर्नमेंट ने तुमको इस मशीन के लिए 2 लाख रुपए ग्रांट में वापस किए। ग्रांट समझते हो? ग्रांट, 2 लाख रुपए का ग्रांट दिया तुमने मशीन खरीदा उसके लिए। अब 10 लाख रुपए का तुमने मशीन खरीदा, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट तुमको वापस कर दिया, तुम मशीन का कॉस्ट कितना बोलोगे? 8 लाख बोलोगे, क्योंकि सर 2 लाख रुपया तो मेरे को वापस मिल गया है, वो मेरे पॉकेट से लगा ही नहीं। अगर वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करो तो मैं बताऊं कॉस्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहले 1185, मैं 15,000 का इंटरेस्ट हटा दिया, 12 लाख माइनस 15,000 की जगह मैं 1185 लिख रहा हूं, प्लस 12,000 का ब्रोकरेज, 12 लाख का 1%। ब्रोकरेज तो 12 ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोकरेज ले रहा है वो तो बोलेगा मेरे को पूरा चाहिए। ब्रोकरेज की स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी बोला, वो तो बोलेगा मेरे को पूरा चाहिए, तेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है वो सब तुम समझ। 12 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, मेरे को 12 लाख पे 1% चाहिए, तो वो तो पूरा लेगा। फिर ब्रोकरेज 12 लाख का 0.5%, गोल टोटल 11 लाख, 12,03,000, ये मेरा कॉस्ट हो गया। यानी जब भी मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट का मतलब उस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, अक्वायर करने के लिए मेरे पॉकेट से कितना खर्चा आएगा। यहां पे मेरे पॉकेट से 12,03,000 लगा, जो 15,000 इंटरेस्ट का लगाना वो मेरे को 3 महीने बाद वापस रिकवर। सर एक काम कीजिए ना, अभी कॉस्ट लिख दिए, 3 महीने बाद हटा दीजिएगा। वो करने से कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का ट्रू एंड फेयर व्यू का थोड़ा नुकसान हो रहा है। अगर मान ले कल बैलेंस शीट डेट आ गई तो लोगों को तो लगेगा ना तुमने इन्वेस्टमेंट इतने में खरीदा, जबकि तुम्हारा कॉस्ट वो है ही, तुमको सही कॉस्ट दिखाना चाहिए। बट सर पेमेंट तो आपको 12 लाख ही करना पड़ेगा, आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे? जर्नल एंट्री देख कैसे कर रहा हूं, जर्नल एंट्री देख, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 12,03,000, यस और नो? टू बैंक टोटल पेमेंट पता है कितना हुआ है? 12,18,000। 15,000 क्या चीज के लिए हुआ है? इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ा जो मेरे को फ्यूचर में वापस रिकवर हो जाएगा। अगर कोई चीज फ्यूचर में रिकवर होगा तो वो तुम्हारा एक असेट है, हाँ या ना? मैं इधर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, आप पेड इन एडवांस बोल लो भलाई, पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। ये मैं अलग से एसेट दिखाऊंगा 15,000 का, जो मेरे को 3 महीने बाद कंपनी से रिकवर होगा। आज मैंने पूरा पेमेंट 12,18 ही किया है, बट उसमें 12,03,000 लग गया, वो अब नहीं आएगा जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे, बट 15,000 रुपया मेरे को मिल जाएगा 3 महीने बाद, जब गवर्नमेंट तुमको इंटरेस्ट देगा 6 महीने का। तो जो इंटरेस्ट तुमको घूम के तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, उस इंटरेस्ट को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करना सही नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोला ये इंटरेस्ट अलग से दिखाइए, इसको इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड मत कीजिए। दिखाना पड़ेगा, अकाउंटिंग करेंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट बोल के आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पहले सबसे पहला ज्ञान, कभी भी इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट। जब हम बात करेंगे कॉस्ट की तो कॉस्ट में आएगा जो परचेज प्राइस है प्लस सारा खर्चा जो मेरे को इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए लगा, स्टैंप ड्यूटी,
ब्रोकरेज, लीगल फीस, कमीशन, स्टैम्प, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब हम ऐड कर लेंगे। हवेवर अगर कोई ऐसा खर्चा लगा जो आपको वापस रिकवर हो जाएगा फ्यूचर में, उसको कॉस्ट में इंक्लूड करने का दरकार। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स। क्लियर है बात? ये मेरे को सबसे पहले कॉस्ट निकाल के हमारे इन्वेस्टमेंट परचेज की जर्नल एंट्री ये पास करनी पड़ेगी। क्या नया सीखा इसमें? कॉस्ट निकालना, जो अभी तक आपने निकाला नहीं था वो आप पहली बार देख रहे हो, कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। यहां तक सबको बात क्लियर है? एकदम सिंपल सिंपल, मैं दो मिनट बाद लिखाऊंगा। यहां तक बात क्लियर, आगे चलूं? अब इन्वेस्टमेंट परचेज करने के बाद बोल नेक्स्ट क्या होगा। सर टाइम टू टाइम इस पर हो सकता है इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह रिसीव हो। अभी मैं इंटरेस्ट डिविडेंड्स की नॉर्मल बात ही करूंगा, बाद में जाके एडवांस लेवल ऑफ टॉक हम लोग आगे करेंगे। बताना अगर इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर, डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर, क्या मानते हो इसको? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट का डिविडेंड, ठीक है? फिर ये इंटरेस्ट डिविडेंड मेरा इनकम है, ईयर एंड पर कहां चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा, एकदम नॉर्मल। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूं, मान ले कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा, मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक। मेरे पास ना यहां गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ओपनिंग डेट पर 6% का ब्याज है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, 10,000 बॉन्ड्स है, नंबर्स में 10,000 बॉन्ड्स है, ठीक। गवर्नमेंट इस पर ब्याज कब कब देता है सुनना, कब कब देता है इंटरेस्ट, कब कब देता है? एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को इंटरेस्ट देता है। कितने महीने का देगा बोलो? 6 महीने का। हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करता है, 30 सितंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट देता है, 31 मार्च को 6 महीने का इंटरेस्ट देता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या? बिल्कुल हो सकता है। मेरे को बता, अगर मेरे पास इतने बॉन्ड्स है तो तुम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे? 10,000 × 100 × 6% × 6/12, 30,000। एक 30,000 हो गया पहला 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ और बैंक ने, सॉरी गवर्नमेंट ने मेरे को 30,000 पेमेंट कर दिया वापस दूसरे 6 महीने का, बोल कितना होगा? 30,000 जो गवर्नमेंट मेरे को पेमेंट कर देगा। अगर ऐसा केस है तब तो कोई चिंता नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल, एकदम चिंता खत्म, नॉर्मल बचपन जैसा हमेशा से किया। बट मान ले इसी का दूसरा एग्जाम्पल, 1 अप्रैल को मेरे पास बॉन्ड्स है, 1 अप्रैल 2021 को 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फेस वैल्यू 100 रुपया, नंबर्स 10,000। गवर्नमेंट का पॉलिसी वो इंटरेस्ट साल में दो बार देता है, 30 जून और 31 दिसंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। तो सर 31 दिसंबर के बाद का कब देगा? नेक्स्ट ईयर 30 जून को देगा, नेक्स्ट ईयर 30 जून को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रखा है और वो आपके हिसाब से चेंज नहीं करेगा कि आपका तो ईयर एंड कुछ, आपका ईयर एंड कुछ भी हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जनवरी से जून तक का वो 30 जून को इंटरेस्ट दे देगा, जुलाई से दिसंबर तक का वो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर देगा। मेरे को बता यहां इंटरेस्ट की अकाउंटिंग मैं कैसे करूं? पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून को मिलेगा, 3 महीने का, 10,000 × 100 × 6% × 3/12। क्यों 6 महीने का? ओ पिछला साल का 3 महीना भी बाकी होगा, तो चलो ये लिख देता हूं मैं, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, एक बार छोड़ देते हैं उसको, उस पर भी चलेंगे अपने। बाई किया इस दिन 1 अप्रैल को, इससे पहले मेरे पास वो बॉन्ड्स था ही, मान लो गवर्नमेंट ने इसी दिन इशू किया, गवर्नमेंट इससे पहले इशू ही नहीं किया, फर्स्ट डे पर इशू हुआ है, तो पहला इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3 महीने का 30,000, कितना मिलेगा? 15,000। इसके बाद कब मिलेगा? 6 महीने का मिलेगा, कितना? 30,000। इसके बाद कब मिलेगा? मैं मिलेगा पूछ रहा हूं 30 जून को, बट हमारा तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है बचपन का?
इंटरेस्ट अक्रूड, भले ही आपको इसका बॉन्ड्स का इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून का, बट ये 3 महीने का इंटरेस्ट इनकम अक्रू तो होगा, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं, अक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर गए, 10,000 × 100 रुपया × 6% × 3 महीने का 15,000, और एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 15,000, क्योंकि मेरा इनकम जब पीएल में आएगा और ये फिक्स्ड इनकम है तो मेरे को हर महीने इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। मिला हो नहीं मिला उससे मेरे पीएल को कोई फर्क, पीएल बोलता है जब मिलेगा तब मिल जाएगा। आपको 3 महीना अगर आपने बॉन्ड्स रखा है तो उसका ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, आप अभी इनकम को लिखो। हम लोग इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड, जो भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये मैं डिटेल में सिखाऊंगा जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, वहां पर डिटेल्ड कैलकुलेशन करके हम लोग इसका अकाउंटिंग करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, चाहे ये 15,000 का इंटरेस्ट हो, चाहे ये 30,000 का इंटरेस्ट हो, चाहे ये 15,000 का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो ईयर एंड पे पूरी इनकम कहाँ चली जाएगी, पीएल में चली जाएगी। मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो सिंपली ऐसे कैलकुलेट करता हूं, साल के शुरू में बॉन्ड था तो इस साल 12 महीने का पीरियड का मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल के मैं सीधा पीएल में दिखा देता हूं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अक्रूड इंटरेस्ट। अपने करते थे बचपन में फाइनल अकाउंट्स, याद करो 12 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए 60,000, मिला है अभी तक 45,000, तो 15,000 का अक्रूड इंटरेस्ट करते थे कि नहीं करते थे? वही हम भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट डिविडेंड की अकाउंटिंग क्या होगी, तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी इस पीरियड का है आपका, वो इंटरेस्ट डिविडेंड का इनकम आप अपने बुक्स में लिखोगे और उसको ईयर एंड पे कहां ले जाओगे, पीएल में। हम लोग जब भी इनकम लिखेंगे तो हमेशा अक्रूअल बेसिस पे लिखेंगे। इंटरेस्ट का इनकम अक्रूअल करता है टाइम बेसिस पर, किस पर, टाइम बेसिस। जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको इंटरेस्ट इनकम लिख लेनी है। डिविडेंड का इनकम अक्रू करता है जब कंपनी उसको डिक्लेयर करे, क्योंकि डिविडेंड में ना आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते। रिलायंस का इच्छा है तो वो डिविडेंड बांटेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं बांटेगा। तो अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है तब तो आप अपनी इनकम लिखना, अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है तो आप अपनी इनकम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लास्ट ईयर मेरा इस अभी ईयर एंड होने वाला है, 31 मार्च आने वाला है, मेरा इस साल रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रिलायंस अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया और 31 मार्च तक अभी कोई डिविडेंड नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्या मैं रिलायंस के हेड ऑफिस में जाके दंगा कर सकता हूँ? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है डिविडेंड इज ऑलवेज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को देने की इच्छा होगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी, आप उसको फोर्स, तो अगर फोर्स नहीं कर सकता तो क्या ये इनकम अक्रू हो गया? नहीं सर, ये तो इनकम कंपनी की इच्छा पे डिपेंड करता है, हो सकता है 5 साल ही ना आए। अगर ऐसे आप इनकम अक्रूअल बेसिस पे डिविडेंड की लिखोगे तो वो सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डिविडेंड अक्रू तभी करता है जब कंपनी डिक्लेयर करे, इंटरेस्ट अक्रू टाइम बेसिस पर करता है क्योंकि वो दे या ना दे उसको देना तो पड़ेगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड में यही फर्क होता है, बचपन याद करना, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ देना पड़ेगा। डिविडेंड के केस में कमाओगे तो ही देना है, नहीं कमाओगे तो देने का दरकार, और उसमें भी कमाएंगे तो कंपनी का इच्छा है वो दे या। इक्विटी शेयर्स में यही होता है, अगर मान ले कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बोला हम नहीं बांटेंगे इस साल, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? एक्ट ऐसा ही बना हुआ, इक्विटी शेयर्स को संत माना गया कि उनको कोई मोह माया नहीं है, उन्होंने पैसा दे दिया वो भूल चुके हैं, इच्छा हो तो दे देना वापस, नहीं इच्छा हो नहीं रहे तो नहीं दोगे तो भी वो तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, मन में गालियां जरूर देंगे, सामने आकर कोर्ट में जाकर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि तुमको एक्ट ने प्रोटेक्शन दिया है इक्विटी शेयर्स के केस में। इक्विटी शेयर इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं बहुत रिस्की होता है, इसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता, क्योंकि डिविडेंड कंपनी के हाथ में है और शेयर प्राइस मार्केट के हाथ में है, कब छोड़ेगा कब ले जाएगा पता नहीं, जैसे पेटीएम सब चला गया, कुछ नहीं बचा। जिन्होंने स्टार्टअप्स में पैसा लगाया होगा, जैसे बिटकॉइंस, मार्केट से अचानक बिटकॉइन कम नहीं हो गया मार्केट में न्यूज, पहले 2-3 साल में अभी कोरोना के बाद बहुत न्यूज में था ये बिटकॉइन ऐसा वो बिटकॉइन ऐसा, अब अचानक से मार्केट से बिटकॉइन गायब हो गया है, गिर गया वो गिर गया तो कितने सैलरीड पर्सन का गिर जाएगा तुमको पता है? सबसे ज्यादा उसमें पैसा लगाने वाले दो ही टाइप के लोग हैं, जुआरी और सैलरीड पर्सन, क्योंकि सैलरीड पर्सन बोलते इतने में चल नहीं रहा है, कुछ तो और देखना होगा,
उन्होंने बिटकॉइन में बहुत पैसे डाला, इंक्लूडिंग मेरे भैया है, इंजीनियर है, साल का अच्छा पैकेज है, 50-60 लाख 70 लाख का पैकेज होगा। बोले और क्या करेंगे, बिटकॉइन अच्छा लग रहा है, लडाल देते हैं, 8-10 हज़ार रुपये का बिटकॉइन 1 लाख हो गए। अरे वो बिटकॉइन दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया। वो सोच रहे हो कितने इरेशनल इन्वेस्टर्स हो गए हम लोग। सर इरेशनल कैसे, सर दाम तो बढ़ा ही था। सर जिस चीज के पीछे कोई धंधा नहीं है, कोई एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, उसमें तुम अंधाधुन पैसा लगा रहे हो। हमको तो समझा नहीं जो 1 लाख में बिक रहा है खरीदने वाला कौन है। अगर देखोगे ना, खरीदने वाले इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, जिनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, मार्केट से उठाते जाओ, मार्केट को चढ़ाते जाओ। जब लोग देख रहे हैं 1 लाख में भी बिक रहा है, साला 1 लाख हो गया, चल 10,000 से 1 लाख हो गया, अभी गया बट 5 लाख तक जाएगा और खरीद ले। अब लोग क्या करते हैं, जब वो देखता है कि अब लोगों खरीदने के लिए पोजीशन बना रहे हैं, 2 लाख में भी खरीदने के लिए रेडी है, इलॉन बोला ले जाओ। अब 2 लाख में वो दे तो दिया, अब 2,01,000 में कौन खरीदेगा। ये सारा का सारा मेरे पास इथर रिमो का मन को नहीं पता क्या है, उत्कर्ष बंसल, हे माय गॉड, ये कैसे आया तुम, ये कैसे आया, ये तो मेरा एडमिशन नहीं लिया है। नहीं आज तो उसमें ना इथीरियम बोल रहा है, ओ जो भी है, इथीरियम हो या साला नाम भी दिया मेटल्स का जिससे लगे कुछ पढ़ रहे हैं, ये वो सब नाम होता है ना, जैसे सोडियम आयरन ये वो है ना, जो भी बेकार नाम होता था, ये लोग क्या बोलते हैं, साइंस वाले को टेबल बोलते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल, इस साला वो सब नाम दिया है। मतलब मेरा सिंपल ऐसा बात है, तुम कभी भी किसको पैसा दोगे जिसमें तुमको है कि वो पैसा जनरेट करके तुमको फ्यूचर में वापस करेगा। बिटकॉइन के पीछे तो कोई है ही नहीं, बिटकॉइन के पीछे तो कोई है ही नहीं, वो तो एक कोडेड एलिमेंट है, उसको जनरेट किया गया है, तुमको पकड़ा दिया गया। बहुत सारे एक वैल्यू था बट वट वो कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है अभी तक, है नहीं। नंबर वन, नंबर टू, एक बार इलॉन मस्क भी बोला था टेस्ला की गाड़ी आप खरीद सकते बिटकॉइन देकर, फिर 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद वो उसी बात से बोला नहीं 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 मेरे से गलती हो गया बहुत बड़ा। वो खाली एक बार बोलता है ना, एक बार वो क्या बोल दिया था, सिग्नल साला कोई एक सिग्नल ऐप अलग लेवल पे चला गया, वैसे ही वो बोला टेस्ला के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे, लोग टेस्ला के लिए खरीदने लग गया कि सर अगर ये एक्सेप्ट करेगा मतलब कुछ नहीं होगा तो चल टेस्ला एक तो गाड़ी खरीद के रख दे। लोगों का माइंडसेट बनाया, लोग खरीदने लग गए, खुद का बेच के निकल गए। देख मैं रियल में इतनी बात बोलता हूँ, ये नहीं है कि आप 10,000 का चीज को 1,00,000 रुपया कमा लिए, 90,000 आपने नहीं कमाया, मैं उसमें डिनाई नहीं करता, कमाई होती है, बट जितनी चीजों में कमाई है ना उतना ठुकाई भी है, ठुकाई भी उतना ही। मतलब जिस दिन अगर टाइमिंग गलत बैठ गई ना, सारा का सारा पैसा खत्म। और ये लोग होता है कैसा, कसीनो जैसा, मान ले उसको पता है तेरे पास 50 लाख है बट तुम अभी छोटा छोटा बिट खेल रहा है, देख रहा है तुम जीत रहे कि नहीं, तेरा लक आज कैसा चल रहा है, चला ऐसा लक तेरा बनाएगा ना, तेरे को लगेगा आज मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। पहला दाव 3 दुग्गी उसमें भी जीत गए, दूसरा दाव 1 दुग्गी 3 अलग अलग कलर का उसमें भी जीत गए, तीसरा 10 नग्गी और 5 उसमें भी जीत गए। बोला साला आज तो हम ही हैं, अब तुम 1,000-1,000 लगा रहा था, जब तुम देखा हम जीत ही रहा है, चल एक बार 50,000 लगाते हैं, वो देखा तेरे पॉकेट में 50,000 मैक्सिमम, बोला लाओ लगा है, अब ऐसा पत्ता मारेगा तुम जीत ही नहीं पाएगा। सर ये सब कसीनो में चोरी थोड़ी होता है, 100% चोरी, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड, नहीं तो वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। और 36 टाइम देता है रोले में भी कब रोकना है कैसे रोकना सब उनका कंट्रोल्ड है, इसीलिए जब थोड़ा बहुत जीत जाओ खाक खत्म कर दो, बस बात खत्म हो गया। हम खेलते हैं ना, हम हाँ खेलते हैं फन फेस्टा में, सुनेगा तो पूरा, अभी बीच में बोलेगा तो कैसे होगा, हम थोड़ी बोले हम कैसीनो में जाके खेलते हैं, हम फन फेस्टा में खेलते हैं, हमको हरा नहीं पाएगा, हम जीतेंगे ही, बट हम एक एक लेवल से ज्यादा नहीं खेलते। हम 1,000 रुपया का कूपन लेंगे,
या तो वो पूरा खत्म होगा या 1200-1500 रुपया ले लेंगे। जैसे ही हम देखें ना 100-200 रुपया आ गया, रुमाली रोटी दाल टेक के आएंगे, पहले आराम से खा के आओ, फिर वापस खेलना शुरू करेंगे, फिर देखें 100 रुपया, चाय सब कॉफी वॉफी पी के आ जाओ, चलो। ये एकदम नॉर्मल रूल है मेरा, हम 1 रुपया घर लेके नहीं आएंगे, हमको चाहिए ही नहीं वो पैसा, बस हाँ खर्चा भी नहीं करना है तो उसी के पैसे से वहीं खा के आना है। तो 1000 रुपये अपना अपना पॉकेट में रहेंगे, वहाँ 200-500 रुपया कमाते हैं, वो खा पी के आ जाते हैं, ना हम किसी को लूटते हैं ना लुटवाते हैं। कहाँ लूट लिया, उसके पैसे से तो उसको दिए, मेरे को थोड़ी लूटा, हम तो जो 200 एक्स्ट्रा कमाए उसी से तो खाए, वो कैसे लुटाया, उसको तो पैसा मिला, लुटाया जो खिला रहा था। बट इट्स गुड, मतलब ये सब जानिए, और मैं आपको बोलूंगा पैसा कमाने में बहुत ताकत लगता है, कमाना आसान नहीं है। अभी आपको लगेगा सामने बैठ गए, बच्चा लोग को सामने बैठा लिए, पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा छाप रहे हैं, क्या लाइफ है इनका। एक एक तो आता ना, वन डे इन द लाइफ ऑफ दिस, वैसा शो आता है ना, वन डे इन द लाइफ ऑफ, एक बार एक दिन मेरी लाइफ में सुबह से शाम जी के देखिए आप, फिर आपको लगेगा कि हाँ चल ये पैसा कमाना आसान नहीं है, छोड़ दे सोच भी मत। हाँ वो एक दिन का सीएम का, एक दिन का सीए बनेगा तू, वो अपने को लगता है ऐसा है बट ऐसा है नहीं, डिफिकल्ट है हर चीजें, पैसा कमाए हुआ वेस्ट ना करे। मैं इसीलिए 1 भी रुपया ना शेयर मार्केट में लगाता हूँ, ना बिटकॉइन में लगाता हूँ, ना कोई ऐसे आदमी के हाथ में देता हूँ जबको मेरे को लगता है पैसा आएगा नहीं वापस। मेरा हर एक रुपया मेरे बिजनेस में लगता है। नवनीत भी थोड़ा शेयर मार्केट करते हैं, हाँ थोड़ा था उनके हिसाब से थोड़ा, तो बेकार है, मत कीजिएगा ये सब आप लोग। हमको मेरे सर सिखाते थे शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्ट करना चालू करना बेटा जब जितना तू कमाता है उसका 10% में तेरा घर चलता है, 90% तेरे पास एक्स्ट्रा है, उसमें 30-40% तू शेयर मार्केट में लगा। पहला, बाप का पैसा कभी मत लगाना, भूल के भी उस पैसे में हाथ मत लगाना। दूसरा, अगर तेरा कमाई तेरे खर्चे निकाल रहा है, अभी तक तेरे कमाई अभी सरप्लस होना शुरू नहीं हुआ, तो कभी पैसा मत लगाना। मतलब जो इकोनॉमिक्स बोलते ना, इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग्स टर्न्स टू इन्वेस्टमेंट, वो पहले बात समझना, सेविंग्स हो तो ही इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट मत करना। उसमें भी पहले अपना कंटिजेंसी फंड निकालो कि 6 महीने अगर मान लो जॉबलेस हो गए तो 6 महीने का पैसा होना चाहिए हाथ में। फिर अपना जो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस, अपना बेसिक नेसेसिटी जो तुम्हारा निकलेगा वो सब कर लो। फिर जो पैसा सरप्लस बचे उसमें 30-40% इन्वेस्ट करो इक्विटी में, बाद बाकी 70% सेफ जगह रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्विटी मार्केट्स में तभी पैसा डालना जब तुमको ऐसा लगे कि ये पैसा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, वेरी डिफिकल्ट। बोलिए इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम क्या बोल के दिखाएंगे जब मिलेगा? इनकम बोल के उसी साल के पीएल में चला जाएगा, अक्रूवल बेसिस पर। इंटरेस्ट अक्रीव कैसे करता है? इंटरेस्ट इनकम अक्रीव कैसे करता है? टाइम बेसिस पर। डिविडेंड अक्रीव कब करता है? जब कंपनी डिक्लेयर करे, जब तक वो डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक हम डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन एंटिसिपेशन की फ्यूचर में मिल जाएगा ऐसा हम नहीं करते, हमको कंजर्वेटिज्म रोकता है, रियलाइजेशन रोकता है, बोलता है इनकम तभी लिखो जब वो इनकम सर्टेन हो कि रियलाइज हो जाएगा। मैं जर्नल एंट्री अगर पास करूं, सिंपल जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट या अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम, और इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम बोल कहां जाएगा? इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। बोलिए ये बात समझ में आता है? जब परचेज किया क्या अकाउंटिंग करना है सिखाया, इसके बाद जब पीरियोडिकली मेरे को इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम मिलेगा क्या अकाउंटिंग करना है सिखा दिया। तीसरा स्टेप बोलो क्या आ सकता है? बेचना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलिए इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट को मैं एक नया नाम दे रहा हूं, समझो तो समझ पाते हो क्या? कैरिंग अमाउंट।
नहीं सर ऐसा नाम नहीं सुने। सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट का दूसरा वर्ड होता है बुक वैल्यू। ये जानते हैं बुक वैल्यू? कैरिंग अमाउंट क्यों नाम पड़ गया? बुक वैल्यू क्या होता है? जिस वैल्यू पे आपने बैलेंस शीट में दिखाया, तो जिस वैल्यू पे आप एसेट बैलेंस शीट में कैरी कर रहे हो, कैरी मतलब आगे लेके जा रहे हो, उसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। तो कैरिंग अमाउंट इज द अदर नेम ऑफ बुक वैल्यू। तो आप जब इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, आप इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे किससे? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट से। और जो डिफरेंस आएगा वो बोलिए आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। ये प्रॉफिट लॉस ऑन सेल बोलिए कहां जाएगा? पीएल में। ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पीएल में जाएगा। जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट। अगर लॉस है टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है तो टू पीएल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट जितना रुपया आया, पीएल अकाउंट डेबिट जितना लॉस हुआ, टू इन्वेस्टमेंट जितना उसका कैरिंग अमाउंट है, और प्रॉफिट है तो टू पीएल। पीएल क्रेडिट हो जाएगा डेबिट होने की जगह। ये एंट्री होता है। जैसे परचेज करते टाइम खर्चे लग रहे थे, ब्रोकरेज वगैरह, क्या लगता है सेल करते समय भी लगता होगा? बिल्कुल लगता है। अगर आप मार्केट के थ्रू सेल करेंगे तो सेल करते समय भी ब्रोकरेज लगता है, सेल करते समय भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, सेल करते समय भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है। तो अगर ये सारा खर्चा लग रहा है, तो जब हम लोग सेलिंग प्राइस लेंगे, कौन सा लेंगे? पूरा लें या माइनस करके लें? माइनस करके लें। जैसे सिंपल फॉर एग्जाम्पल समझ बात को, सौ रुपया प्राइस है उस दिन शेयर्स का, एक रुपया का वो ब्रोकरेज लेगा, 50 पैसे का टैक्स कटेगा, तो मेरे घर कितना बचेगा? 98.5। यहां पे सेलिंग प्राइस लिखने की जगह एक वर्ड लिख रहा हूं, नेट सेलिंग प्राइस। हम लोग ये ब्रोकरेज को, ये स्टैम्प ड्यूटी को अलग से खर्चा नहीं दिखाएंगे। हम लोग बोले इन्वेस्टमेंट बेच के 100 नहीं आया, 98.5 आया। अब 98.5 को के कॉस्ट से कंपेयर करो और देख ले कोई प्रॉफिट है या लॉस है। तो जब भी मैं इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल। माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल में क्या आ सकता है? ब्रोकरेज आ सकता है, कोई कमीशन आ सकता है, कोई स्टैम्प ड्यूटी आ सकता है, कोई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आ सकता है। जितना ऊपर आ रहा था रे, इधर जो ये सब आ रहा था, बेचने के टाइम भी ये सब लग सकता है। अगर ये सब लग रहा है तो पहले हम इसको सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, नेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे। उस नेट सेलिंग प्राइस को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। ये सेम चीज बचपन में आप डेप्रिसिएशन चैप्टर में फिक्स्ड एसेट के साथ करते थे। अगर हम फिक्स्ड एसेट को सेल करते थे तो जो डिफरेंस होता था बिटवीन द नेट सेल प्रोसीड्स एंड द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट या बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, वो डिफरेंस हम लोग प्रॉफिट या लॉस बोल के पीएल में ले जाते थे। मान ले 1 लाख में एसेट बेचा, बुक वैल्यू 80,000, 20,000 का प्रॉफिट। 1 लाख में एसेट बेचा, 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस लगा, 98, उसका बुक वैल्यू है 70,000, 28,000 का प्रॉफिट। बुक वैल्यू है 1,10,000, तो 98,000 का नेट सेलिंग प्राइस, 1,10,000 का बुक वैल्यू, 12,000 रुपए का लॉस हो गया। हम लोग हमेशा नेट सेल प्रोसीड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? नेट सेल प्रोसीड। अब इसमें एक चक्कर आता है। क्या चक्कर? अगर ये इन्वेस्टमेंट, मान लो आप, मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स आपने खरीद रखा है, जरूरी है क्या हर दिन आप रिलायंस इंडस्ट्री, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स है वो एक बार में खरीद के रख ले? नहीं सर, हम लोग ना एवरेजिंग यूज करते हैं। एवरेजिंग, आज मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है, 100 शेयर उठा लिए, कल थोड़ा और गिरा, वापस 100 शेयर उठा लिए, 7 दिन बाद थोड़ा और गिरा और 500 शेयर उठा लिए। ऐसे करके हम लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग दाम पे शेयर्स खरीदते हैं, सो दैट हमारा जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो जितना ऑप्टिमम हो सके, जितना नीचे हो सके हो जाए। प्रॉब्लम क्या है? अलग अलग दिन अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग दाम पे खरीदे, उसमें से कुछ क्वांटिटी बेचे, कुछ क्वांटिटी यहां पर आके बेचे। माई प्रॉब्लम इज मैं कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करूं? वेरी गुड। अगर आप कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, यू कैन फाइंड द कॉस्ट यूजिंग फीफो या वेटेड एवरेज। लीफो इज नॉट अलाउड, आइदर यू यूज फीफो और यू यूज वेटेड एवरेज। इन्वेंट्री के लिए AS2 भी दो अलाउ करता है, फीफो और वेटेड एवरेज। इन्वेस्टमेंट में भी AS13 दो अलाउ करता है, फीफो या वेटेड एवरेज। फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज बोलता है किसी से भी बिक सकता है। सबका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल तेरे को देता हूं,
मैं कुछ एग्जाम्पल में फिगर लिख रहा हूं, तुमको कैलकुलेशन करना है. परचेज प्राइस, एक्सपेंसेस, एक एक को मैंने 100 शेयर खरीदा, परचेज प्राइस 2500 पर शेयर, एक्सपेंसेस 3 रुपया. फिर मैंने 5 एक को 200 शेयर और खरीदा, परचेज प्राइस 2498 पर शेयर, एक्सपेंसेस 2.5 रुपीज. मैंने 15 एक को वापस 500 शेयर खरीदा, 2480 पर शेयर, एक्सपेंसेस लगा 3 रुपया पर शेयर. क्या रियल लाइफ में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? जब आप शेयर मार्केट करेंगे ना, ऐसे ही कीजिएगा. दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग. क्योंकि सही टाइमिंग एग्जैक्टली कब सबसे ज्यादा गिरेगा वो किसी को पता. ऑन डिप्स वी परचेज, एट राइज वी सेल. अब जैसे ही 2480 से 2490, 95, 2500 होगा, मैं 100 शेयर निकाल के भेज दूंगा. फिर 2500 से 2520 रुपया होगा और 100 शेयर निकाल के भेज दूंगा. 2550 होगा और 200 शेयर बेचूंगा. ऐसे ही शेयर मार्केट में कमाई की जाती है. जो वेट करते हैं ना, अभी 2550 हुआ है, देख 2800 होगा. मैं ये नहीं बोलता 2800 हो नहीं सकता, बट होने के बाद वो गिर भी जाता है, पता नहीं चलता है. मतलब रेगुलर ट्रैक करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपना अपना धंधा कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं. तो अगर अभी मेरे को दिख रहा है 50 रुपये में बिक गया, 10% का एक रिटर्न बैठ रहा है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, कुछ सल्टा दो. सो दैट क्या होगा, जो कॉस्ट है उसका रिकवरी होते चला जा रहा है. बाद में अगर हम बेचेंगे भी तो अच्छा कमाई हो सकता है. ये वेट करके कि 2800 होगा उसी दिन सारा का सारा बेचेंगे, मैक्सिमम लॉस इसी कारण से होता है. तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही मार्केट में काम करते हैं. ऑन डिप्स वी परचेज एंड ऑन राइज वी सेल. अब क्या हुआ, देख, मैं 20 जनवरी को 200 शेयर सेल किया, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब सेल किया. प्राइस चल रहा था 2505 रुपया पर शेयर और खर्चा लगा 5 रुपया पर शेयर. आपको इस सेल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. पहला यूजिंग फीफो, और दूसरा बोल क्या होगा, यूजिंग वेटेड एवरेज. मेरे हिसाब से बचपन में सबने ये सीखा है. ट्राई तो आप कर सकते हैं. आपको नेट सेलिंग प्राइस लिखना है, नेट सेलिंग प्राइस लिखना है. आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है 200 का, और आपका प्रॉफिट लॉस आपके पास होगा. पहले फीफो फॉलो करेंगे. $350 का लॉस फीफो में, ठीक है. नेक्स्ट वाला कर. सोचने से ना होगा, लिखना ही पड़ेगा. कहीं पर भी लिखो, लिखना पड़ेगा. एग्जाम्पल है, रफ में लिखो, सब चलेगा. देखने से नहीं होगा. फीफो हो जाए तो बोला हो गया, उतना डिस्कस कर लू, फिर तुम वेटेड एवरेज करना. एक बार समझ जाओगे तो वेटेड एवरेज शायद कुछ हेल्प मिल जाए. फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के तरीके हैं. सेलिंग प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस वही रहेगा. बोल 200 शेयर कितने में बेचा? सर सेलिंग प्राइस 2505, बट बेचने में 5 रुपए का खर्चा लगा है, तो घर पे कितना आया? 2500 into 2500.
वो ठीक है 2025 का क्या देख लेते हैं। पहले बोलिए ठीक है, बोल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 लाख, वो खर्चा मैंने सेलिंग प्राइस से ही माइनस कर दिया, वो कट के ही मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास 2505 आएगा ही नहीं, तो मेरे पास अगर कट के ही आएगा तो मैं बोलूं ना मैंने 2500 में बेचा है, क्यों बोलूं 2505 में बेचा है, बोल 2500 में बेचा है, डन। अब मेरे को कॉस्ट निकालना है, अगर मैं फीफो फॉलो करता हूं ये 200 शेयर्स कहां कहां से बिक सकता है सर, इस 100 शेयर से बिक सकता है और इस 200 शेयर से बिक सकता है, हाँ या ना? तो पहले मेरे को फर्स्ट इन वाला लेना होगा, यानी 100 × 2497 गलत 2503, परचेज में खर्चा लगता है तो वो कॉस्ट में ऐड होगा, इंक्लूड होगा, तो 100 शेयर खरीदा था 2503 रुपया करके और फिर 100 शेयर और खरीदा, बोलो 2500.5, क्या मैं ये कॉस्ट बोल सकता हूं? इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये 200 यूनिट्स पहला वाला फर्स्ट 100 से बिका होगा, फिर जो 100 है वो सेकंड वाले से बिका होगा, तो मैंने दोनों का कॉस्ट निकाल लिया, तो पहला वाला हो गया 100 × 2503 एम प्लस, और बोल क्या है 100 × 2500.5 एम प्लस एम आर सी 5,350,000। अब कुछ बोल, 5 लाख में बेचा, 5,350,000 का इन्वेस्टमेंट, तो बोल कुछ 350 का लॉस, 350 का लॉस आया, 350 का लॉस। पहले बोलो सबको बात समझ में आया, अरे बचपन इन्वेंटरी फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेम काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पक्का? अब बता वेटेड एवरेज नेट सेलिंग प्राइस कितना रहेगा सर? वो 5 लाख ही रहेगा, सेम ऊपर वाला ही फिगर ले रहा हूं, कोई चेंज नहीं होगा। अब मेरे को कैरिंग अमाउंट निकालना है यूजिंग वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बोलता है कहीं से भी बिक सकता है, आप कोई अजम्पशन मत लीजिए कि यहां से बिका होगा या यहां से बिका होगा, आपके पास जो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आज के दिन सबका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब, वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब देख क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। सर ये तो बहुत मैथ्स हो गया, मैथ छोड़ ऐसे समझ, 100 शेयर खरीदा था 2505 रुपए में, हाँ, फिर इसके बाद 200 शेयर खरीदा था 2500.5, फिर और 500 शेयर खरीदा 2483, ये टोटल कॉस्ट हो गया 800 शेयर का, तो पर शेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 800 इनटू कितना बेच दिया 200, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। हमने क्वांटिटी को वेट लेकर कॉस्ट का एवरेज निकाला, हमको कॉस्ट का वैल्यू चाहिए, कॉस्ट का हमने क्वांटिटी को वेट में पुट किया और कॉस्ट का वैल्यू निकाला। अगर मैं इसका एवरेज कॉस्ट निकालूं 100 × 2505 एम प्लस 200 × 2500.5 एम प्लस 500 × 2483 एम प्लस एम आर सी 1992 100 आ रहा है कुछ, डिवाइडेड बाई 800 2490.125। मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने पूरा एकदम प्रॉपर वैल्यूज लिया, ओके 2483, ये 2503 होगा क्या, तो 200 रुपया कम कर दूं यहां से, ये आ जाएगा 1991900। एक बार चेक कर यही वैल्यू आया क्या, 1991900 डिवाइडेड बाय 800 2489.875 इनटू 200 शेयर 497975, कितने में बेचा 5 लाख में, माइनस 5 लाख्स 2025 का प्रॉफिट।
अब ये सब चीजें नहीं सीख रहे हो आप, ये सब आपने फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं सीखा, इन्वेंट्री में सीखा था, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देख रहे हो। बट फीफो वेटेड एवरेज हमने सीख रखा था, तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, बस एक नई जगह पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो देख, मैंने पहला ज्ञान क्या दिया सेलिंग पे, सेलिंग में नंबर वन, जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे आप सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल हो गया नेट सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स। नेट सेलिंग प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू सेल। और कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए दो ऑप्शन है, आइदर फीफो और वेटेड एवरेज। सर क्वेश्चन फीफो नहीं, फीफो और वेटेड एवरेज। सर क्वेश्चन बताएगा क्या? बिल्कुल बताएगा कौन सा यूज करना है। नहीं बताए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड इज वेटेड एवरेज, क्योंकि वेटेड एवरेज सही एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट आपको बताता है, वो बायस नहीं होता कि पहले इससे बेच या इससे बेच। बोला किसी से भी बिक सकता है, सबको एवरेज करके कैलकुलेट कर ले। पहले बोलिए ये क्लियर है 2025 और पहला वाला आया 350 का लॉस, दोनों क्लियर है? जर्नल एंट्री वाइज आपको बोलो, किसी को भी जा सकता आप, जब आपको पता नहीं कहां कहां से बिक सकता है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए, वेटेड एवरेज करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। फीफो सिंप्लीफाइड वर्जन है। जैसे इन्वेंटरी में भी तुमको तो पता ही है ना सर, हम पहला वाला पहले बेचते, जरूरी नहीं हम तो मिक्स करके बेचते हैं, तब तुम फीफो क्यों यूज कर लेते हो? ऑप्शन दिया गया है तुमको, अगर लगता है तुम्हारे लिए वेटेड एवरेज बेटर है तो वेटेड एवरेज यूज करो। मान ले मेरे पास ये शेयर्स नहीं होके, मेरे पास किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर्स है, तो हो सकता है हम पहले वाला पहले बेचे, वो तो मेरे पास सर्टिफिकेट फॉर्म में होगा, हम सर्टिफिकेट पहला वाला दे दिए उसको। मतलब एक टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब तो इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो जरूरी नहीं है, इसलिए आपको दो ऑप्शन दिया गया, यूज फीफो और वेटेड एवरेज। इसलिए मैंने बोला ज्यादा बेटर कौन है, वेटेड एवरेज, क्योंकि हमको पता नहीं मैंने कौन सा बेचा, तो जिसमें भी बेचा हो सबका एवरेज निकाल के कर लो। डन? क्या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना समझ में आया? देख मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं इसका, सेकेंड वाले का। बैंक अकाउंट डेबिट घर पे बोल कितना आया, 5 लाख। टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने का इन्वेस्टमेंट गया, 497975। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पीएल में जाएगा, आप टू पीएल भी लिख सकते हो, 2025। आप डायरेक्टली टू पीएल लिख दीजिए, 2025, यू नीड नॉट राइट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप पीएल लिखेंगे इंस्टीट्यूट मानेगा। बार बार फीफो नहीं कर सकते, योर अकाउंटिंग पॉलिसी शुड रिमेन सेम। कंसिस्टेंसी हम फॉलो करते हैं कि अगर मैं वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूं तो मैं हर सेम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आई फॉलो वेटेड एवरेज, सिमिलर ट्रांजैक्शन ऑलवेज सेम पॉलिसीज हम यूज करेंगे। पहले बोलो जब सेल करते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग होता है, तीसरा बात क्लियर है? देख अपने स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। पहला मैंने बात किया परचेस पर क्या करना है, परचेस समझ में आ गया तो चल इसके बाद इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा क्या करना है बता, वो समझ में आ गया तो बोला सेल होगा बता क्या करना है। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप समझने से सारी अकाउंटिंग क्लियर होती है, कुछ छूटता नहीं है बीच में। अब लास्ट क्या बचता है पता है सर? जो इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे 800 शेयर था मेरे पास, कितना बेच दिया मैंने, 200, बैलेंस 600 शेयर मेरे पास पड़ा है। अगर ये 600 शेयर मेरे पास पड़ा है तो ईयर एंड पे ये मेरी बैलेंस शीट में एज एन एसेट आएगा। बैलेंस शीट में एज एन एसेट किस वैल्यू पर मैं दिखाऊंगा, बात करेंगे मेजरमेंट का, बात करेंगे AS 13 क्या बोलता है, कॉस्ट बोलेगा तो कॉस्ट पे दिखा देंगे, कुछ और बोलेगा तो फॉलो कर लेंगे। मतलब मैं AS के बेसिस पर बात करूंगा, जो AS बोलेगा, और AS जो बोलेगा वो लॉजिकल बोलेगा, जब आप सुनेंगे तो आपको सही क्लियर होगा। अभी के लिए उस पर चर्चा नहीं करते कि हाँ यही होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ये चार चीज सीख जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एक बार क्लियर हो जाएगी, परचेज, सेल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैलेंस शीट डेट पर वैल्यूएशन, तो मैक्सिमम तो इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, बस हो गया काम। परचेज, सेल, इन्वेस्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड बैलेंस शीट डेट पर किस वैल्यू पे उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है बात, पक्का? एक बार आओ समरी बुक में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन
इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड शैल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट. प्लीज अंडरलाइन इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड. वर्ड का मतलब क्या होता है? इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, जब पहली बार आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट पे. इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब लिख लीजिए जिनको नहीं पता, पहली बार, फर्स्ट टाइम. इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहली बार रिकॉर्ड करना. पहली बार कोई भी इन्वेस्टमेंट आप रिकॉर्ड करोगे हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड कीजिएगा. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अक्वायर्ड फॉर कैश कंसिडरेशन, जो नॉर्मल आपको देखने मिलेगा एग्जाम्स में, इसका कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आएगा परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, एग्जाम्पल दो थोड़ा. स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, एसटीटी, लीगल फीस एक्सेट्रा, जो भी एक्सपेंसेस लगा परचेज करने के लिए, ये आपका कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप जर्नल एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कौन सी वैल्यू पे? एट कॉस्ट. हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये कॉस्ट वगैरह निकालने का प्रैक्टिस करेंगे. अभी सिर्फ मैं एग्जांपल्स देके समझा रहा हूं, आगे से क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे. साकेत, अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है तो बिल्कुल वही करना है जैसे राजाराट की बिल्डिंग खरीदी, अब वो बेच रहा हूं. एक ही बिल्डिंग है तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लो राजाराट का कॉस्ट क्या था, उसके हिसाब से काम कर लीजिए. फीफो वेटेड एवरेज वगैरह तब देखते हैं जब हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कहां से बिका होगा, तब हम फीफो वेटेड एवरेज में जाते हैं. अगर मान ले रिलायंस का 800 शेयर एक ही बार में खरीदा होता, एक ही बार में 800 शेयर एक ही दाम देकर, और उसमें से 200 शेयर बेचता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता. वही मेरा वेटेड एवरेज होता, वही मेरा फीफो होता, क्योंकि स्पेसिफिकली मेरे को पता है ये यहां से बिका होगा क्योंकि मैंने अलग अलग डे पर परचेज ही नहीं किया है. पहले बोलिए कॉस्ट समझ में आया, कैसे कैलकुलेट करते, जर्नल एंट्री क्लियर है? आगे का जो इश्यू ऑफ शेयर वगैरह इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब लास्ट में आएगा एकदम. रेकरिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेकरिंग इनकम कुछ एग्जाम्पल दो, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एक्सेट्रा. हाँ, रेंटल भी लिख सकते हो. मेरे को जर्नल एंट्री बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम. इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल. इनकम से शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कौन सा बेसिस? शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूअल बेसिस. ये AS 9 हम लोगों को अलग से सिखाएगा. इंटरेस्ट अक्रूज ऑन, इंटरेस्ट अक्रूज ऑन टाइम बेसिस. जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मैं इंटरेस्ट इनकम लिखते चला जाऊंगा, पैसे मिले या नहीं मिले वो बात की बात है. इंटरेस्ट अक्रूज ऑन टाइम बेसिस. डिविडेंड अक्रूज, बोलिए, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी. जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक हम डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. डिविडेंड कभी टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं होता है. बस बस एक मिनट, फिर आप जा सकते हैं. फुल स्टॉप. डिविडेंड अक्रूज व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी.
तो जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड मेरे को मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर, मैं उसको इनकम मान के पीएल में ले जाऊंगा। इंटरेस्ट इनकम मैं हमेशा रिकॉर्ड करूंगा टाइम बेसिस पर। डिविडेंड इनकम तभी रिकॉर्ड करूंगा जब कंपनी डिक्लेयर करे। पूरे साल भर अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर मैं डिविडेंड इनकम टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जब डिक्लेयर होगा तभी इनकम लिखना है, नहीं तो इनकम मत लिखना, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर होगा तभी आप इनकम अपनी बुक्स में शो करेंगे। हम लोग छोटे इन्वेस्टर पता है क्या करते हैं, हम लोग तो डिक्लेयर भी नहीं देखते, जब बैंक अकाउंट में घुसता है तब उस दिन लिख देते हैं। मान ले मेरे पास 100 कंपनी का 10-10 शेयर है। छोटे इन्वेस्टर ऐसे ही काम करते हैं, पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई करते हैं। अब 100 कंपनी कब AGM कर रही है, कब डिविडेंड डिक्लेयर की, कब हुआ, ये सब हम लोगों को पता? हम लोग तो बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट में डिविडेंड आया है, चलो इनकम लिख लो। हम लोग तो रिसीट बेसिस पे चलते हैं, हम तो अक्रूवल भी नहीं देखते, हम तो सीधा देखते हैं जब मिलेगा तभी इनकम लिखो। छोटा अमाउंट रहता है, मटेरियल नहीं रहता, तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तुम अपने पापा से पूछोगे वो भी यही करते हैं कि जब बैंक स्टेटमेंट में डिविडेंड दिखता है तभी इनकम लिखते हैं, जब तक डिविडेंड दिखता नहीं है तब तक हम लोग इनकम नहीं लिखते। डन, आज जाइए नेक्स्ट क्लास करते हैं कंटिन्यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और सुनो, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप लोग को आज रूटीन मिल जाएगा, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स रूटीन मिल जाएगा। नो व्हाट्सएप ग्रुप मानव, ओनली टेलीग्राम ग्रुप। उत्कर्ष, तुमसे पैसा लेके भी एडमिशन नहीं देना है तुमको। बाय बाय ऑनलाइन।